हॉस्पिटल के सामने खड़े होकर फूफू कर रहा है। बीबी बीमार है, अंदर है। क्या हुआ भाभी को? वही औरतों वाली बीमारी। औरतों वाली बीमारी? खर्चा इतना। सिगरेट कितने की है? 10 रुपए की। 10 रुपए की? और जेब में कितनी पड़ी? एक और है। मरने के लिए तेरे पास पैसे हैं, लेकिन बीवी को मौत से बचाने के लिए पैसे नहीं है। क्या बक रहा है? ये देख, मौत लिखी है इस पे, मौत। और ये सैनिटरी पैड पे जिंदगी। हसमत, 2 सिगरेट के पैसे से भाभी को ऐसी खतरनाक बीमारी जो महावरी के वक्त गंदा कपड़ा इस्तेमाल करने से हो सकती है, उससे बचा सकता है। और सिगरेट ना पीने से अपने आप को भी खतरनाक बीमारी से बचा सकता है। यानी कि मौत के पैसे से 2 जिंदगी खरीद सकता है तू, एक अपनी और एक अपनी बीवी की। सोच अब हंस। हीरोगिरी, ये पीने में नहीं है, ये देने में। भाई, हाँ, गायों को ले आया हूँ मैं। इतनी है? 30 है भाई। बूढ़ी गायों को पीछे भेज दो और दूध देने वाली गायों को तबेले में। भाई, पैसे दे देते तो। मांस के 30,000 और चमड़ी के 70,000, कुल मिलाकर हुए 1,00,000। रख लो। भाई, एक एक गाय की कीमत 1,00,000 रुपए है भाई। अबे, इन गायों को तेरे बाप ने पाला था क्या? ये सब चोरी का माल है, जितना दे रहा हूं काफी है। माल को उतार और फूंक ले यहां से। चला, चलता हूं भाई। चलो।
लिंगा, उसकी रखवाली करने वाला द्वारपालक है। सिर पर दत्तात्रेय, कदम कदम पर अदृष्ट लक्ष्मी, करोड़ों भगवान के रूप में रहने वाली है ये गाय। इसे सूखी घास खिलाओ तो भी हमें पेट भर कर दूध पिलाती है। पैदा करने वाली माँ भी 6 महीने तक ही दूध पिलाती है, लेकिन ये माता मरने तक दूध देती है। और तुम लोग पैसों के लिए इन बेचारी गायों को मारना चाहते हो? थू! तुम्हारा खून निकाल कर मैं इन गायों को अपवित्र नहीं करना चाहता, इसलिए छोड़ रहा हूं। ए! याद रखना, कौन है बेतू? हाथ मिला लू तो स्नेहाद्री, मारने पर आ जाऊं तो सिंहाद्री। दादा ये गाय आपकी है क्या? जरा ठीक से देखो तो। ये मेरी गाय है बेटा, इस गांव के लिए तू भगवान का अवतार है। बेटा तुझे मेरी भी उम्र लग जाए। जो नहीं दे सकती अच्छा उसे ही दूंगी, बोल रही हो? शैतान, हमारी गाय के गले में घंटी थी, नहीं दिख रही। अरे बाप रे, घंटी नहीं है क्या? तुम्हारे पति ने पीने के लालच में कहीं घंटी बेच तो नहीं दी? यही कहीं गिरी होगी। अरे सिंहाद्री, इसे क्यों लाया है तू? इतनी देर से दूध निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, पी पी के बर्बाद हो गया, बर्बाद हो गया, बर्बाद हो गया। गाय कौन सी और सांड कौन सा पहचान नहीं पा रहा है? नीचे झुके देख, कौन सा सांड तुझे 20 लीटर दूध देने वाला है, पागल कहीं का? अरे भाई, बाकी जो गायें बची है ना वो जिसकी है उन्हें दे दो। ठीक है भैया। भैया 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 भैया, इन लोगों से तारीफ सुन सुन करके कान भर गया है ना तेरे? तो भाव भी खाने लगे हो अभी? ऑलरेडी शी इज कमिंग, चेजिंग, हंटिंग, डे एंड नाइट हिटिंग। कहाँ है? ये भी डरता है क्या? सिर्फ अपनी बहन से डरता है? इधर है। नहीं नहीं, अरे बच्चा। मौसी, हाँ इधर छिपा है तू। इस लड़के से पूरा गांव डरता है, और ये है कि अपनी बहन से डरता है। अरे कौन है ये पुण्यात्मा जो करेक्ट टाइम पर मेरे लिए पानी रख कर गई है? हाँ बहुत बहुत धन्यवाद, भगवान तुम्हारा भला करे। पागल कुत्ते की तरह मेरे पीछे पड़ी है। अरे बाप रे, अरे क्या करूं? अबे अरे तेरी तो ये पानी इसके लिए रखा है? नीचे आ जा, कहाँ भाग रहे तू? इधर आ, आज तुझे छोडूंगी नहीं। इंस्पेक्टर साहब, वो बाबू भाई को मैंने मार दिया है, मुझे जेल में डाल दो जल्दी से। अरे वहाँ कहाँ जा रहे हो? चंडी, चामुंडी, बाहर आ जा। कानून को इस तरह से अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए बेटी। फिलहाल तो मैंने हाथ में ले लिया है, अगर तुम हम दोनों के बीच में आ गए ना तो पैर में लेना पड़ेगा। नहीं बहना। सिंहाद्री, कॉम्प्रोमाइज जीवन का दूसरा नाम होता है, बाहर आ जाओ बेटा। ये बात उसे बताइए स्वामी जी, उसे बताइए, मुझे नहीं। बेटी नंदिनी, कॉम्प्रोमाइज ही जीवन का दूसरा नाम है, इसलिए उस बेचारे को छोड़ दो। सभी गांव की औरतों को यहाँ बुला लूंगी। वो क्यों? हर रोज शाम को 4 हाथ गजरा, आधा किलो मैसूर पाक लेते हो ना, क्या ये कभी आप अपने घर लेकर गए हैं क्या? फंस गया स्वामी, फंस गया स्वामी। सिंहाद्री, चलो बाहर आओ। नहीं आऊंगा। इसे इज्जत से बोलेंगे तो नहीं आएगा। नहीं, चल बाहर आ, नाटक करेगा। नाटक करता है, छोड़ूंगी नहीं तुझे। इधर मत मारना, क्या कर रही हो? मेरी इज्जत उतारोगे? अरे स्वामी, क्या बचाइए आप? चल
अरे ये मेरा मसाज कर रही है, ठोक रही है, जरा पूछ गौरी। ऐसा काम करके आया है ना, इसलिए ठोक रही हूँ, बोल दे इसे गौरी। उधर सब लोग गलत काम कर रहे थे। अच्छा? इसलिए मैं उन सबको मारने गया था। बहुत अच्छा काम किया मैंने, तेरा भाई ना बहुत पहलवान है। ऐसा बोल दे इसको गौरी। लेकिन इन लफड़ों में सिर्फ तुझे क्यों पड़ना है? हा? मैं क्या कर सकता हूँ, गांव के सभी मर्दों को 6-7 बच्चे हो गए हैं, तो सारे मर्द बेचारे डर जाते हैं, लेकिन मैं तो अकेला हूँ इस गांव का ब्रह्मचारी। क्यों खुशबू? ए खुशबू, तू हूँ बोल रही है? हम दोनों के बीच में बोली ना, तो याद रख। डरो मत खुशबू, तुझे किसी अच्छी फिल्म में एक चांस दिलवा दूंगा। अब तू भी आ गई, ये डायलॉग मारा है और तू इसी की साइड ले रही है। ए मालाश्री, आज तेरा दोपहर का खाना कट। उसने तो सुबह ही 3 टाइम का खाना खा लिया है और अभी कितने अच्छे से चामुंडा दुर्गा महाकाली की तरह खड़ी है अपनी मालाश्री। क्या बात है बहना? मेरी आंखें खुलने से पहले माँ चल बसी, मेरे चलने फिरने से पहले पिताजी भी चल बसे, अब मेरे लिए सिर्फ तू बचा है, अगर तुझे कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? ओले 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 मेरी बच्ची। अरे इसको तो तेबग, श्रुति तो रो रही है, पता नहीं तूने कौन से मुहूर्त पर उसका नाम श्रुति रखा है। अरे क्यों रो रही है, चुप हो जा। अरे माजी रानी, रडू नकोस, गप्पा बस। ए, पहले जाकर नहा ले, खाना भी खाना है। ठीक है बहना। खीर। हेलो, ये क्या है बहना? तूने खीर बनाई है तो उसमें शक्कर नहीं है, सांबर बनाई है तो उसमें नमक नहीं है, तीखा नहीं है, मीठा नहीं है। बीमार लोग जो खाना खाते हैं वैसा खाना मुझे खिला रही हो क्या? तूने ठीक से खाना खाए भी ना उन लोगों को इतना मारा। अगर तुमने सही खाना खाया तो तुम राक्षस बन जाओगे। तुझे अभी अक्ल नहीं आएगी, किसी घमंडी को लाकर तेरे गले में बांधूंगी ना, तब तुझे अक्ल आएगी। नो, डोंट कम इन द मैटर ऑफ ब्रदर्स ऑफ द मैरिज, फूलिश फेलोज। देख ले बहना, तू कुछ भी काम बोल वो मैं करूंगा, लेकिन मेरी शादी के मैटर में बिल्कुल मत बोलना प्लीज। ए ब्लैकी। व्हाट? खाना लेकर कहाँ जा रहे हो? तो और क्या करूँ, तेरा बनाया हुआ ये खाना और गाय को जो घास डालते हैं उसमें कोई अंतर नहीं है, उससे अच्छा इसी खाने को मैं आचार के साथ खा लूंगा। चलो बाय। भैया भैया भैया, सब बर्बाद हो गया, अपने हाथ से निकल गया, टाइगर अपने गांव में घुस गया। भैया भैया, एक दो रेप होने से पहले ही उसे रोकना होगा। भैलारी, धन लक्ष्मी पर उसकी नजर है। हा? गांव की इज्जत का सवाल है। अच्छा, अभी उसको छोड़ना नहीं है। हा? लोगों को ऐसी तकलीफ देते हो, शर्म नहीं आती है क्या? तुम लोग पूरे गांव को डरा सकते हो लेकिन मुझे नहीं। जाएगा, मुझे पार करके जाएगा। जा, अगर तुम मर्द है तो जाके दिखा दे। अगर जबरदस्ती करेगा ना तो रेप केस बन जाएगा। अबे हर 3 दिन में तू लाड़ में आ जाता है। तेरी बॉडी के मसल्स देखकर मैंने तेरा नाम टाइगर प्रभाकर रखा है। और तू क्या कर रहा है? वो सामने जो धनलक्ष्मी रहती है उसे परेशान कर रहा है तू। अरे बाजूला जी पंकजा राते, उसको बदनाम कर दिया तूने। अपने सोना होने की जो शोभा है। सुन, सबको तो मैं बता नहीं सकता, लेकिन वो बेचारी रोती बैठती है, रो रो कर वीक हो गई है। जरा चुप रहा कर यार। अभी कल ना मैं एक अच्छी रानी लेके आऊंगा तेरे लिए, और वो ना एकदम शकीरा की तरह नाचती है, ला कर तेरे सामने बांध कर रख दूंगा, जो करना है वो कर लेना। हे भगवान, इसमें जो कैपेसिटी है वो किसी मनुष्य को मत देना, ना जाने मेरे हाथों कैसा कैसा काम करवा रहा है तू। देवा श्री कृष्ण। श्री कृष्णा। अरे घास के टीले से धुआं कहां से निकल रहा है? ए दीदी कितना मस्त दम मार रही है ना दीदी, मजा आ रहा है क्या? ए हमारी दीदी तो सिगरेट पीने में मास्टर है। वाह दीदी वाह, क्या बात है दीदी। दीदी तुम तो सुपर, क्या मस्त धुआं उड़ा रही है ना, नशा हो रहा है क्या?
दीदी कान से भी धुआं छोड़ती हो? हाँ हाँ, आंखों से भी छोड़ सकती हूँ, देखो देखो। अबे इसकी तो एक कौन है तू, कहाँ से आई? ये पूछने वाले तुम कौन होते हो? हाँ, अरे बदतमीज कहीं की, अरे छोटे बच्चों को साथ में रखकर घास के टीले के पीछे सिगरेट फूंक रही हो, अरे आग लग गई तो क्या हो जाएगा? गुरु, आग लग गई तो लग गई, क्या कर सकते, कोई कुछ नहीं कर सकता। ए, कान के नीचे लेवल में रहकर बात कर, गणपति के बाजू में रहने वाले चूहे के साइज का है तू। जो चाहे वो करे, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? क्या बोला? तुम कौन होते हो हमें पूछने वाले? ये रेप क्या होता है? मुझे भी नहीं पता दीदी, लेकिन फिल्मों में हीरोइन रेप 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 करके चिल्लाती रहती है। ओहो, तूने तो सुपर आइडिया दिया छोटू। अरे बेशरम बच्चा, चलो भागो यहाँ से। रेप, रेप, रेप। अरे बाप रे, अरे बच्चा, अरे क्या कर रहे हो? अरे ये तो इसके साथ है। अरे तुम मुझे क्यों पकड़ रही हो? अरे ये सब छुआछूत नहीं चलेगा। अरे ये तो भाव में गिर रही है, क्या कर रही है? मुझे माफ कर दे। अरे अरे भाई साहब, कुछ नहीं कुछ नहीं, आप अपना काम करो, काम करो आप अपना। अरे माँ देवी पुण्यवती, लेडीज वेयर दुकानों में जाता हूँ तो लेडीज कपड़ों को छूता भी नहीं हूँ। मेरे घर पे गाय और सांड का मिलन होता है, वो भी नहीं देखता हूँ। और तुम हो के मुझे रेप के केस में फंसा रही हो, मैं चलता हूँ यहाँ से। तुझे एक लात मारूंगी ना। लात मारेगी? चल निकल, निकल यहाँ से। अरे बाप रे, तुम्हारे झमेले में नहीं पड़ना। चल चल निकल, चल 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 भाई, अरे निकल यहाँ से बेटा, बहुत डेंजर लड़की है ये। मधुसूदन, इस बार हम दूध नहीं बेचेंगे। ज्यादा कमा लिए हैं क्या? दूध उतारो, पैसे गिनो और चलते बनाओ। यह हल्ला क्यों मचा रहे हो? पैसे का मामला नहीं है, दूध में पानी मिलाते हो, डुप्लीकेट बिल देते हो, इतना सब धोखा देकर शर्म नहीं आती है? सरकार हमें जो देती है वही हम आपको देते हैं। सरकार आपको जो दे रही है वो बिल्कुल सही दे रही है, लेकिन आप हमें बराबर पैसे नहीं दे रहे हो। आप उसमें भी पैसे मार रहे हो हमारे। हमारी सब्सिडी तुम लोग खा जाते हो और हम पे हुक्म चलाते हो। तुम लोग कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो। रुको, गौड़ा साहब आने वाले हैं, अच्छी तरह सबक सिखाएंगे। चेहरे पर दूध गिरा है तो उसे पोंछ लिया, एसिड गिरा होता तो? कौन है रे, चिल्लाने वाला कौन है? तुम सबका भला करने के लिए मैं प्रेसिडेंट या अध्यक्ष बनाऊ ना? जानता हूँ ये सब कर्जा बचाने के लिए कर रहे हो कमीनो। कम से इंद्र दूध उप केंद्र की थोड़ी सी इज्जत है, थोड़ा उसका तो ख्याल रखो, पहले उसकी इज्जत बचाओ। अरे प्यार से मांगोगे तो साहब थोड़ी मना करने वाले, अरे वो जरूर देंगे। सही कह रहा हूँ ना साहब? उनको क्या करना ये उन्हें अच्छी तरह से पता है, तो निकल यहाँ से। छू कर बहुत बड़ी गलती कर दी तूने। अरे साहब, अंदर बहुत गलत गलत काम हो रहा है, उसको ठीक कर दीजिए। आप ठीक करोगे, बस। हेलो, क्या हाल है नंदनी बेटी, कैसी हो तुम? मैं बहुत अच्छी हूँ अंकल। क्या अंकल, आप हफ्ते में सिर्फ एक ही बार फोन करते हैं, इतने बिजी हैं क्या? अरे तुम कम बिजी हो क्या? मेरे घर आए हुए तुम्हें कितने दिन हो गए, ललिता तुम्हें हमेशा याद करती रहती है। सॉरी अंकल, मेरे एग्जाम्स चल रहे हैं, वो जैसे ही खत्म हो गया मैं आ जाऊंगी। मुझे दीजिए। नंदू आंटी, सब खाना तुम्हारी पसंद का बनाऊंगी, तू बस आ जा। आप कुछ भी बनाएंगी वो टेस्टी ही होगा आंटी। जरा एक मिनट मुझे देना। अच्छा ये बताओ, भैया हैं घर पे? हाँ हाँ देती हूँ। कौन है फोन पे? अंकल का फोन है। दो 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 दो।
नमस्कार साहब, कैसे हैं आप? तुम्हारे पिताजी के आशीर्वाद और ईश्वर की कृपा से हम सब ठीक है बेटा। अच्छा ये बताइए साहब, आपने फोन क्यों किया? अरे प्रकाश फॉरेन से आ गया है। अच्छा हाँ। सुनो बेटा, हमने कल घर पर पूजा रखी है, तुम सबको आना है। अरे आते आते आपके खेती का पैसा मेरे पास है, तो उसे भी ले आऊं क्या? अरे ओ पुण्यात्मा, तुम्हारा पैसा लाना जरूरी नहीं है, घर पर आना ज्यादा जरूरी है। आऊंगा ना साहब। अंकल बाय बाय बाय। तुला राशि, नए लोगों से हानि। ए आगे चलो ना जल्दी, चलो चलो चलो। बगीचे का नुकसान, अपनों से विश्वासघात। अरे सुबह सुबह अपना चेहरा आईने में देखकर मुझे लगा ही था कि आज कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है। क्या हो गया, क्यों रो रहे हो? मेरी दादी को ना पीलिया हो गया है, है? और उन्हें नारियल पानी पीना है, मेरे पास पैसे नहीं है। उसके लिए इतनी चिंता क्यों करती हो? यहाँ 500 पेड़ है मेरे। हाँ। एक नहीं, तुम चाहो तो 4 ले जाओ। आप तो भगवान जैसे इंसान है ना। आपकी राशि कौन सी है? मेरी तुला राशि है। रुको मैं काट के देता हूँ। नहीं नहीं नहीं, हम पूरी तैयारी में आए हैं। तो अगर मैं तुम्हें घर पे खाने को बुलाऊं, अपने साथ केले का पत्ता भी लाओगी? चलो जाओ जाओ जाओ, तोड़ लो तोड़ लो। चलो चलो चलो, जल्दी करो, धरती में मत धस जाना। एक दो। मैं हिसाब में बहुत कड़क हूँ। 4। अबे 2 के बाद तो 3 आता है ना। अरे इसको तो हिसाब बराबर आता है। नहीं तो क्या, तू स्कूल नहीं गया क्या रे? 3। हाँ। 4। अब बस। स्टॉप स्टॉप स्टॉप। कौन है ये लोग? हाँ? अरे चेले, बाजार तक ड्रॉप करेगा क्या? हाँ? अबे जोकर, तुम चारों को टायर के नीचे डालकर नींबू की तरह निचड़ दूंगा ना, तब समझेगा। चल निकल यहाँ से। जेल जाना पड़ेगा। अरे बहना तू क्यों हंस रही है? इन लोफरों के बारे में तू ठीक से जानती नहीं है। हाँ? हेलो, एक मिनट, हमारी दीदी बात करेगी। कौन है तेरी? हाँ? दीदी, जरा बुलाओ उसको। दीदी एंट्री। अरे क्या स्टाइल मार के आ रही है, और ऐसे हिल डुल रही है जैसे बारिश में मेंढक बाहर निकल के आते हैं। ए, ये सारी बातें तो ड्राइवर से क्यों कर रहा है? बाजू में ओनर बैठी है ना, उनसे बात करो। ठीक है दीदी। मैडम हाँ? दिखता नहीं है क्या, ड्राइवर किसको बोल रही है तू? स्टीयरिंग पकड़ने वाले को। तुमसे ही बात कर रही हूँ मैं, चुपचाप आगे ध्यान दो। मैडम बस मिस हो गई है, बाजार में नारियल बेचना है, हमें हाँ? ड्रॉप कर देंगी क्या? कोई ड्रॉप बॉप नहीं मिलेगा, चलो अब यहाँ से निकलो चुपचाप। ऐसे ड्राइवर को आप सर पर क्यों बैठा कर रखती है मैडम? तुम्हारी चौकात है वहीं पर रहो, समझे? क्या है? डीजल क्या तेरा बाप भरेगा इस गाड़ी में? बस मैं 3 रुपया देती हूँ, तुझे पूरे 5 रुपए दे दूंगी, छोड़ दे मुझे वहाँ तक। अरे इसकी तो जबान बहुत चलती है, इसको देखना। चेले सिट डाउन, टेंशन नहीं देने का, सिट डाउन। सिट डाउन। क्या रे, मैं चुप बैठे हो तो तुम ज्यादा ही बोल रहे हो। अकेली लड़की को रास्ते पर कोई अकेला छोड़कर जाता है क्या? यस डार्लिंग, आई लाइक इट, आई लाइक इट। आप बैठ जाइए। गाड़ी निकल यार। प्रजास्त्वमाशास्ते सजातमनस्यामाशास्ते उत्तरान्नेव यज्जामाशास्ते भूयोः निष्करणमाशास्ते दिव्यं धामाशास्ते विश्वं प्रियमाशास्ते इदानेन हविषाशास्ते।
अब तो बेटा घर में आ ही गया है, अब उसकी शादी करके उसे यहीं रख लो, दोबारा विदेश गया तो हाथ नहीं आएगा। हम भी कुछ ऐसा ही सोच रहे हैं स्वामी जी। आपने अपनी मुंह बोली बेटी की शादी प्रताप से करवाई, वो कितने सुकून से रह रही है। तो अपनी बेटी को इनके घर की बहू क्यों नहीं बना देते? आपने तो दिल की बात कह दी स्वामी जी। सोच रहे थे पंडित जी, आपने भी वही बात कर दी तो ठीक है। सुनो प्रकाश, हम यहाँ तुम्हारी शादी की बात कर रहे हैं। अरे तो करो ना, मेरी बेटी ऐश्वर्या तुम्हारी बीवी बनेगी, ओके ना? वन सेकेंड, आपके सारे फैसले मुझे ओके हैं। ओके भाई ओके। ऐश्वर्या तुम्हें पसंद है ना बेटा? क्या बोल रही हैं? आंखों में उसी की फोटो, दिल में उसी की फोटो, क्यों बेटी यही बात है ना? स्वामी जी मेरी बेटी को आशीर्वाद दीजिए, आपके हाथों से इसकी शादी होगी। साहब जी। हाँ सिमाद्री। आजा आजा आजा, ये इसकी क्या जरूरत थी बेटा? अरे ठीक है, जीते रहो। ये क्या सिमाद्री, नंदू तुम्हारे साथ नहीं आई? मैंने तो उसे भी साथ लाने को कहा था। सही है, अपने बेटे की शादी से ज्यादा उसकी पड़ी है इन्हें। ये तो विश्वास की बात है, छोड़ दीजिए। कैसा विश्वास है? हाय नमस्ते। बंदा फिरता है। इस दामाद की इज्जत नहीं है, उसे इतनी इज्जत दे रहा है। अजीब, सिम्हाद्री के पिताजी की वजह से ये लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, इसलिए इसकी इतनी इज्जत है। कुछ भी हो, तुम्हारे बाप की ये बात मुझे ठीक नहीं लग रही है। जीते रहो बेटा। अरे मेरे बारे में छोड़िए साहब, हमारे प्रकाश साहब कैसे हैं? वहाँ बाहर है। नो, आई विल प्रोबेबली कम। प्रकाश, वन सेकंड, आई विल कॉल यू बैक। अरे मैं हूँ यार सिमाद्री। ए सिमाद्री, कितने साल हो गए यार। फॉरेन का सेंट लगता है, क्या मस्त है। मैं बहुत खुश हूँ। अगर मेरी बहन ने तुम्हें देखा होता ना तो आज वो खुशी के मारे हवा में कूद जाती। शुरू हो गया तू, बहन के बारे में बोले बिना रह नहीं सकता ना। ए मच्छी को पानी से बाहर निकालेगा तो वो बचेगी क्या? तड़प तड़प कर मर जाएगी ना, उसी तरह मैं और मेरी बहन। अरे वो तो मेरी जान है। सिमाद्री एक फोन करना है, बहुत इम्पोर्टेंट है। अंदर जाना। ठीक है ठीक है, मैं भी आता हूँ अंदर। अरे तुम बहुत पढ़े लिखे आदमी हो, जाओ 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 जाओ। साहब पर भरोसा मत कीजिए, ये बहुत जल्दी भूल जाते हैं, इसे अपने पास रखिए। बाप रे। सिमाद्री शादी की बात करो, बिजनेस की बातें बाद में, ये पी लो पहले। लो पियो। नंदिनी भी पूजा में आई होती तो बहुत अच्छा लगता, उसे तो खीर बहुत पसंद है, जाते वक्त उसके लिए भी ले जाना। हे सिमाद्री, क्या हुआ बेटा, तुम्हारी आंखों में आंसू? क्या बात है, क्या हुआ बेटा? साहब आप भगवान के समान हैं, क्या कहूं आपके बारे में, मुझ जैसे नौकर से भी आप इतना प्यार करते हैं। हे, हमारे लिए प्रकाश और तुम में कोई फर्क नहीं है बेटा। हाँ, तुमसे हिसाब कौन मांग रहा है? अरे गांव की पूरी जमीन अगर तुम ही रख लोगे तो हमें खुशी हो। चावल का खेत, बगीचा, जमीन, ये आपके आशीर्वाद से बड़ा है। ये माँ जब तक जिंदा है तब तक मैं अनाथ नहीं हूं, जब तक आप है तब तक मैं अपने आप को अनाथ कैसे समझूं? मेरे माता पिता नहीं है फिर भी आपने मेरे लिए और मेरी बहन के लिए क्या क्या किया है इसकी गिनती भी नहीं है। सच में आप भगवान हो। ये क्या है बेटा, तुम सिंह की तरह हो, रोना तुम्हें शोभा नहीं देता, तुम और नंदिनी मेरे दोनों आंखों की तरह हो। इसे मिलाकर मेरे घर में पूरे 12 हो जाएंगे। सॉरी, आई डिडंट मीन टू डू दिस। हाँ थैंक यू, आई एम वेरी सॉरी। घबराओ मत, योर फिश इज फाइन, यू गाइज आर रियली ग्रेट। हाँ बाय बाय। ओह नो, दीदी इस कटहल को बेचेंगे ना तो पक्का 300 रुपए मिलेंगे। हाँ। देखो मैं जाकर उसके सामने खड़ी हो जाती हूँ और तुम एक एक करके उसे गायब कर देना। ठीक है दीदी, ठीक है दीदी, ठीक है।
जल्दी करना, मैं उठाता हूँ। अपनी बॉडी बहुत दिखा लिया, अब जल्दी से इसे थैली में डाल। जल्दी करना, जल्दी करना। मैं करता हूँ। मेरे पति को 2 दिन हुआ शहर गए, अभी तक नहीं लौट के आए। अब ये गाय को देखो, बहुत ही जिद कर रही है, खाती ही नहीं कुछ भी। जल्दी करो ना, जल्दी जल्दी। ठीक है ठीक है। क्या कर रही हो दीदी? अरे तुम कब आई बहन? तुम अपने ही आपसे बात कर रही थी ना, तभी आई मैं। अब देखो ना, ये गाय मुझे बहुत परेशान कर रही है। लगता है इसके मिलन का टाइम हो गया है, इसीलिए इतना चिल्ला रही है। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? ये कौन सी बड़ी बात है, सांड को छोड़ दो, काम हो जाएगा। अरे मेरी बहना, इस पूरे आसपास के 5 गांव में सिर्फ 1 सांड है, और वो सांड सिमाद्री के घर में है। और उसका घर यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है। बस इतनी सी बात, हम जाकर सांड को लेकर आएंगे। पर हम लेकर आएंगे तो आप हमें क्या देंगी? मैं 200 रुपए दूंगी। दीदी दीदी, 200 रुपए, मान जाओ मान जाओ। सांड को लेकर क्या करना है ये नहीं जानती हूँ। वो बाद में देखा जाएगा, पहले तुम मान जाओ। मान जाओ दीदी, मान जाओ। ठीक है, लेकर आएंगे दीदी, लेकिन 200 रुपए से 1 पैसे भी कम नहीं लूंगी। अरे मनोहर, तुम्हारी गाय थक गई है क्या? पेट पर पानी डालकर 1 घंटे में लेकर चले जाना, और अगली बार अपनी बीवी को साथ में मत लाना। जाओ 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 जाओ, आजा आजा आजा। भाई लारी। हाँ भैया। अरे वो थक गया है, एक काम कर, उसको वहाँ पे बांध दे, चल। इससे अच्छी तो इंसान की किस्मत है। बिना वजह मुझे ले आया। मुर्गा सांड गाय सबको अच्छे से बांध दे। क्यों भैया? क्योंकि चोरनी आई है। ए ए ए, यहाँ किस लिए आई है तू? ये ऐसी क्यों दिख रही है? अरे इसकी तो, ये कुछ तो गड़बड़ करेगी। सॉलिड, स्ट्रॉंग, बिल्कुल लोहे की तरह। अरे काय करा ला लिए, छाती लोहे का कवच। लगता है मेरे ग्रह उल्टी दिशा में घूम रहे हैं। क्या 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 कह रही है? तुम्हें नहीं, सांड को कह रही हूँ। ठीक है, क्यों आई है बता? यहाँ सांड है तो कोई गाय को क्यों लेकर आएगा? दोनों को मिलाना है, चलो। ये नहीं होगा, सुबह से 5 बार हो गया है, थक गया है वो। ए, क्या बकवास कर रहे हो? वो थक गया या फिर तुम? ए, पहले अपने टाइगर से पूछ। टाइगर करेगा क्या? ये भी आजकल बिगड़ गया बहुत। ठीक है, गाय को छोड़ के 1/2 घंटे के बाद आ जाना। दीदी, इस पे भरोसा मत करना, इससे कहो कि जो भी होगा हमारी आंखों के सामने ही होगा। हाँ दीदी, हाँ। जो होगा हमारी आंखों के सामने होगा। देखो, जो कुछ भी होगा हमारी आंखों के सामने होगा। अरे वो तुम्हारी आंखों के सामने नहीं हो सकता, कृपा करून तुम्ही आते तुम जावा। हम लोग 1/2 घंटे बाद क्यों आए? जो कुछ होगा अभी होगा, वो भी हमारी आंखों के सामने। हाँ, सही बोला, सुपर बोला। I like it। क्या करूँ इस लड़की का? कैसे भड़क रहा है दीदी? ए, वहाँ पर क्या होगा तुम अपनी आंखों से देखना चाहती हो? तुम्हें पता वहाँ क्या होने वाला है? तो सुनो। पागल कहीं की। ये सब तुम लोग अपनी आंखों के सामने देखोगे? हाँ, दीदी, आंखों के सामने देखना चाहिए। अरे शूज पहनकर अंदर आ रहे हो आप? हैं? सॉरी, मैं निकाल देता हूँ जूते। हाँ, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मंदिर में क्यों आते हैं? पूजा करने। इतनी सेवा करके सारा पुण्य आप ही लेंगी, थोड़ा हमें भी लेने दीजिए। ठीक है, आइए। चलिए। पंडित जी, इनके नाम से पूजा कर दीजिए। विष्णु गोत्र तपस्या, रोहिणी नक्षत्र, राहु जातस्या, सूर्य प्रकाश नाम देहस्या। इनके नाम से पूजा कर दीजिए। हमारे मंदिर में सबसे पहले पूजा उनके नाम से ही होती है। ओ, मालूम पड़ा ना। ओके। मैंने आपकी मछली की जान बचाई और आप मेरे और भगवान के बीच का माध्यम बन गई। इस मंदिर के बारे में आपने मुझे बहुत सारी जानकारियां दी और इस पिंक ड्रेस में आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। एनीवेज, नाइस मीटिंग यू। आपने क्या नाम बताया था?
आपने मेरा नाम पूछा ही नहीं, लेकिन आपने अपना नाम भगवान के सामने बता दिया। आपको अब मेरा नाम गैस करना होगा। जैसे मैंने आपको पूछे बिना आपका नाम गैस कर लिया, वैसे आपको भी करना है। ग्रेट चैलेंज। डेफिनेटली आई विल गैस योर नेम। देखेंगे। प्रकाश, क्या तुम मेरे बारे में सोच रहे हो? टेल मी, बताओ ना क्या सोच रहे हो। कुछ भी नहीं, मेरी एक हेल्प करोगी? हाँ बोलो ना। आयुष, आयुषी, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक यूज करने वाली वस्तुओं में लड़की का नाम किस में आता है बताओ तो। स्वीट स्माइल, खुशी। बूढ़ों के तो टूथ ही नहीं रहते, पेस्ट कैसे इस्तेमाल करेंगे वो? क्यों भाई, ये चलेगा क्या? ड्रिंक्स? डैडी, बच्चे कभी ड्रिंक करते हैं क्या? ओ हाँ, ये बात तो है। हे, तुमने मुझसे नाम पूछा था ना, बताती हूँ। पानी से चंचल। वाव, फैंटास्टिक। इसमें से लड़की का नाम कौन कौन सा हो सकता है? कावेरी। सुपर्ब। ऐसे ही और दो तीन नाम बताओ ना। गंगा, सरस्वती, यमुना, गोदावरी, नर्मदा, कपिला। ए भाई लारे, इधर आ। अबे उधर दिखता नहीं है, सब कुछ भीग जा रहा है, जा जरा जाकर देख। अरे तुम लोग इधर आओ, गाय भीग रही है, इधर आओ, जल्दी आओ, जाओ जल्दी जाके गाय को संभालो, जाओ भीग रही है वो, चलो। अरे भगवान कृष्ण को याद कर, भगवान कृष्ण को याद कर, भगवान कृष्ण का नाम ले, भगवान कृष्ण का नाम ले। हे भगवान, इतनी बड़ी होने के बाद भी इन बादलों की आवाज से डरना, अब तक की आदत छूटी नहीं तुझसे। कल के दिन जब पति के घर पे जाएगी तो क्या हालत होगी तेरी? इसीलिए मैं शादी ही नहीं करूंगी, तुम्हारे पास ही रहूंगी। हाँ। अरे बाप रे, ये क्या कह रही है तू? इसलिए क्या तुझे पढ़ा लिखा कर मैंने इतना बड़ा किया है? देख मेरी बच्ची, लड़कियां ना बत्ती की तरह होती है, बनती तो है मायके में, लेकिन उजाला देती है ना तो ससुराल में। मुझे जब भी चोट लगती है, दर्द होता है, तो मेरे मुंह से माँ शब्द नहीं निकलता है, भैया निकलता है। ये भैया नाम का शब्द मेरे मुँह में फिक्स हो गया है। तो तू ही मुझे बता कि तेरे बिना मैं कैसे रह सकती हूँ? बहना, तेरी शादी करना इतनी आसान बात लगती है क्या? इन हाथों से गोद में उठाकर घुमाया हूँ, वो यादें अब तक गई नहीं हैं। शादी का टाइम आ गया है, शादी कर ले बस। हाँ ठीक है, कर लूंगी। तू जिस दिन मुझसे कहेगा मैं उस दिन शादी कर लूंगी, मगर तू अपने हाथों से कन्यादान करेगा, ऐसा वादा कर। ठीक है, वादा कर दिया। आखिरकार तू शादी के लिए मान ही गई। अरे बाप रे, तू बिल्कुल पागल है। मैं जो भी मांगूंगी तू देता जाएगा। हाँ। तो मंडप पे तू अकेला बैठेगा। हाँ? हाँ? अरे बापे, नहीं बाबा नहीं, भगवान की कसम नहीं चाहिए। देखो मैं अपना वादा वापस ले रहा हूँ। हाँ, वापस ले रहा हूँ, वापस ले रहा हूँ। वादा दे दिया तो बात खत्म। हाँ। नो चेंज भैया। क्या हुआ है? अरे वो आ रही है। कौन? वही ड्रामेबाज लड़की। कहाँ है? अरे वो देखो। ए चोरनी, क्या चुराने आई है तू? मुर्गी, बकरा या गाय? चुप करो ना, वो पहले से ही रो रही है। दीदी वो नाटक कर रही है, उसके बारे में नहीं जानती, आप चुप रहिए। भैया क्या हुआ तुम्हें? क्यों रो रही हो तुम? मेरे पिताजी मर गए, अब मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। अगर किसी के घर में जाऊंगी तो पता नहीं किस नजर से देखेगा मुझे। अरे किस नजर से देखेगा? बीड़ी सिगरेट तो तू पीती है, चोरी भी तो करती है, उन बच्चों के साथ मिलकर पूरे गांव को परेशान कर दिया है तूने। तेरी वजह से इस गांव को कम तकलीफ हुई है क्या? संसारी लोग हैं यहाँ पे, चोरों को रखने वाला जेल नहीं है। निकल यहाँ से तू, चल निकल। मेरे पिताजी बहुत शराब पीते थे, तो घर चलाने के लिए मुझे कुछ न कुछ तो करना ही था ना, इसलिए मैं ये सारी हरकतें करती थी। भाई लारी, पहले इसे यहाँ से बाहर निकाल, निकाल इसको यहाँ से बाहर। ए ड्रामेबाज, चलो निकलो यहाँ से। इट्स फॉर मी, फॉर मिस्टर पुसी कैट। या बैक वॉक और कैट वॉक भी। नौकरों को नौकर जैसा ही रहना चाहिए। घर के मामले में बोलने का अधिकार किसने दिया तुम्हें? नोबडी।
भैया बैक फायर। इसका मतलब क्या है बे? इसका मतलब है पीछे मुड़ो। तुम बोलो। तुम ही बोलो। मैडम मुझे इस घर में थोड़ी सी जगह दे दीजिए, आप जो काम कहेंगी मैं सब करूंगी। मैडम गाय को पालने के लिए मंजू है, बकरे को देखने के लिए लिंगा है, दूध निकालने के लिए निंगी और घर का काम करने के लिए सरोजा। तुम्हारे लिए यहाँ पे कोई काम नहीं है, निकलो यहाँ से। काम नहीं है। इसका मतलब तुम लोग किसी काम के नहीं हो। भैया फ्रंट भी फायर है। इसका क्या मतलब? आग ही आग है। तू अपना मुंह बंद कर। तुम्हें खाना बनाना आता है? हाँ आता है, बहुत अच्छे से आता है। आप कुछ भी मांगो एक घंटे में रेडी कर दूंगी मैं। हमें काले है तो क्या हुआ, दिल वाले है हम तेरे 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 जाने वाले। तेरी इतनी हिम्मत, प्यार से बात कर ली तो मेम साहब के साथ बैठ गया। चलो यहाँ से चलो, उठ चुपचाप यहाँ बैठ। हे बेबी प्लीज कम। हाँ इस टाइगर को तो बहुत छेड़ रही है। टाइगर है तो टाइगर है, कभी अपनी शक्ल आईने में देखी है तूने? आप खाइए मैडम, नौकर को नौकर के साथ बैठकर खाना चाहिए। ये ले और ठूस जल्दी जल्दी। दाल रोटी खाओ। मुंह बंद कर और ये ले। भूख लगी है खाना ले आओ। ओहो डालो डालो डालो। इसमें भी ये कुत्ते की तरह भूखा है, डालो इसको। और दो और दो। अद्भुत, बहुत खुशबू आ रही है भोजन से। मक्खन जैसा है ये तो, मुझे जला रही है। मुंह में डालते ही गल जा रहा है। जरा यहाँ तो देखो, ये है काला मक्खन। और सांबर का क्या कहूँ, कितना मस्त बनाया है पता है तुमको? भैया बहुत अच्छा बनाया है, बहुत अच्छा। भैया ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? रोटी देखो आधी कच्ची है, मिर्ची लगता है खेत से तोड़ के सीधा डाल दिया। अगर मैंने इसे खा लिया तो मेरे साथ मेरी बॉडी के साथ क्या होगा, आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। भैया थोड़ा चाहिए क्या? मैडम आपकी खाना बनाने वाली से कहो इसको थोड़ा और खाना दे दे, बहुत भूखा है, कुत्ते की तरह कब से भौंक रहा है। जाओ दे दो। अरे तू चुप रह यार, तू टेंशन मत ले, ऐसा खाना कब मिलेगा तुझे? खा खा और खा, ले 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 और खा और खा, ले खा खा के मर जा। अरे बेचारा खाएगा। ये आप क्या कर रहे हैं भैया? थोड़ी देर और रुक गया तो यहाँ फिनाइल से धोना पड़ेगा, जा रहा हूँ। खाना बहुत अच्छा है। हेलो, आई लाइक यू कावेरी। ये क्या है अशोक, और थोड़ी देर पहले दे दिया होता तो मेरा भाई भी साथ था, शादी की डेट फिक्स हो जाती ना। अरे अरे ये मैंने नहीं दिया, मेरे पास इतनी हिम्मत कहाँ है। उधर देखिए, आई लव यू गंगा। कौन है आप? आप आई लव यू गंगा? हाँ यमुना। What? कावेरी। अरे अरे ये क्या कह रहे हैं आप? उस दिन आपने कहा था ना कि कैसे भी मैं आपका नाम गेस करके बताऊं, तो मैंने ये तरीका अपनाया। नदियों के नामों में से गंगा, कावेरी, यमुना। आई लव यू। हम दोनों अभी तक दो बार मिले हैं, चार बातें कर ली हैं, और इतनी जल्दी लव? वो देखते ही आपसे प्यार हो गया था, मैं खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पाया। आप हाँ बोलेंगी तो मैं टाइम पास नहीं करूंगा, सीधे आपसे शादी करूंगा। ऐसे अचानक बोल दिया तो कैसे, मुझे सोचने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। ठीक है, बहुत ज्यादा मत सोचिएगा और जल्दी से जवाब दीजिएगा प्लीज। ना 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 ना। इसे तो मैं अभी मजा चखाती हूँ। मैं नहाने जा रही हूँ, मैं नहाने जा रही हूँ, नहाने जा रही हूँ। कोर्ट में जैसे चिल्लाते वैसे चिल्ला क्यों रही है, किसी ने कुछ पूछा है क्या तुझसे? आपको इतना भी नहीं पता क्या भैया? पीठ पे साबुन लगाने के लिए। तेरी तो बस बस बस, समझ गया। इधर आ, वहाँ जाकर तीन हंडा पानी लेके आ, यहाँ पर काम है। ए मैं क्यों जाऊँ? हाँ मेरा किचन डिपार्टमेंट है, तुम्हारा बाहर का डिपार्टमेंट है। किसको मेरी बहन ने काम पर रखा है पता नहीं। अरे रख लिया तो क्या हुआ भैया, आपके लिए भी तो अच्छा ही है। एक तो पागल हो गया क्या? अपना काम कर भैया।
भैया ये क्या भैया, मैं आपके बारे में सोच रहा हूँ और आप मुझे ही गरिया रहे हैं भैया, क्या आप भी? मैं नहाने जा रही हूँ, नहाने जा रही हूँ, नहाने जा रही हूँ। अबे दिमाग खराब हो गया क्या इसका? चल चल अपना काम करते हैं। हाँ ठीक है ठीक है। दिमाग खराब कर रही है कब से? मैं नहा रही हूँ, नहा रही हूँ, नहा रही हूँ। भैया, भैया, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। आज तो मैं बिल्कुल भी शोर नहीं मचाऊंगी। ये अंदर क्यों चला गया? मेम साहब भी घर में नहीं है। लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा तोड़ा, दौड़ा दौड़ा घोड़ा दौड़ा दुम लगा के दौड़ा। लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा। मैं इतने दिनों से तुम्हें एक शरीफ आदमी समझ रही थी, जिस घर में तुम रहते हो उसी में चोरी। हाँ ए चोर कहीं का? अरे कहाँ है चोर, कहाँ है चोर, चोर चोर कहाँ है चोर भैया, कोई चोर है यहाँ पे? चोर भैया, भैया चोर चोर चोर। ये क्या, पहले गला फाड़ के चोर चोर चिल्ला रही थी और अब इतने प्यार से चोर चोर चिल्ला रही है? रुक मैं अभी सबको बता देता हूँ। अंदर से आवाज आ रही है, चोर। हाँ चोर कहाँ है? अरे भैया इनको क्या हो गया, शर्मा क्यों रहे हैं? भैया भैया अलमारी के अंदर ही सब कुछ लूट गया क्या? बोलिए भैया, अरे बोलिए ना। चोर चोर कहाँ है चोर, कहाँ है चोर, कहाँ है चोर, कहाँ है चोर? से पैसे चुरा रहा था। क्या ये चुरा रहे थे? क्या पागल वाली बात कर रही हो, ये अपने घर में पैसे क्यों चुराएंगे? मुझे तुम्हें सबको मिलाकर कुल 25 लोगों को पगार देते हैं ये इस घर के अंदर। अरे सिर्फ इनकी बहन की वजह से आज तुम इस घर के अंदर रह रही हो। अरे अभी तुम नहीं जानती, ये अपनी बहन की किसी बात को मना नहीं करते, समझी? मैं चलूं भैया? तुम्हारे भाई ने कोई गलती नहीं की है, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। भैया वो आपके भाई है क्या? अरे रे रे रे, बिना कुछ जाने मैंने उनसे कितना कुछ कह दिया, मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे? शक्ल पर तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, दूसरा कुछ अलग ही दिख रहा है, कहीं ये प्यार तो? मैडम आप भी ना। तो तुम इस घर के अंदर छुपी हो, बारा? तेरा बाप अभी जिंदा है लेकिन तूने उसे मार दिया, कैसी बेटी है तू? ओ तो तेरा घर है ये? तुझे तो मैं बड़ा आदमी सोचता था, तेरे पीछे जो खड़ी है ना वो मेरी अमानत है, क्योंकि उसके साथ मेरी शादी फिक्स हो चुकी है। ये शादी नहीं करना चाहती थी इसीलिए घर से भाग गई थी। ऐसी लड़की को तुमने अपने घर में छिपाया, ये कहाँ का न्याय है? अगर तेरी बहन को मैं अपने घर में रखूंगा तो तुझे कैसा लगेगा? अगर और एक बात बोलेगा ना तो तुम सबको यहीं पर मार के गाड़ दूंगा। तुम ही हो क्या इसके पिता?
तेरे जैसे लोग तो मेरे चप्पल के बराबर हैं। उसका पिता नहीं है, वो मर गया है, ये कहकर वो खुद मेरे घर में आई है। मैंने उसको यहाँ रहने के लिए दिया है। मेरे घर में लड़कियों के बारे में बात करेगा ना तो कोई यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाएगा। कहिए ना मुझे मत भेजे मैडम, कहिए ना। भैया नहीं जाए। सिमहाद्री, सिमहाद्री, मुझे इनके साथ नहीं जाना। सिमहाद्री, चल चल चल। सिमहाद्री, मुझे नहीं जाना इनके साथ। सिमहाद्री, चल अंदर। सिमहाद्री, आने वाले शुक्रवार को मेरी शादी हो रही है। ठीक 10 बजे मंगलसूत्र पहनाऊंगा, तो तू अपनी बहन के साथ आना और भरपेट खाना खाना। सुन बे काले, तुमने जैसा बोला वैसे ही शुक्रवार को शादी है, 10 बजे का मुहूर्त है, मगर मंगलसूत्र तू नहीं पहनाएगा। सिम्हाद्री पहनाएगा। ये हुई ना कोई दम वाली बात? इतने सालों में आसपास के सारे गांव वाले मेरे सामने दुम हिलाया करते थे, लेकिन आज मिला है कोई मुझे मर्द का बच्चा। आजा आजा, देखते हैं। जब तू सामने से चैलेंज कर रहा है तो मैं भी तैयार हूँ। अगर मैं हाथ मिला लूं तो स्नेहाद्री, मारने पे आ जाऊं तो सिम्हाद्री। नमस्कार भाई। नमस्ते भाई। नमस्कार। देखा, ये है मेरा जलवा। अरे वो वाला भी देख लेंगे। भाभी, हाय। आपको क्या दिखाऊं भाई? ये जो भी लेगा उसका डबल मुझे देना। ठीक है भाई। महंगी साड़ी दिलाएगा तो संसार बच जाएगा क्या? अबे जूस कहाँ है? ऑर्डर कर दिया है भाई, आता ही होगा। ए, जल्दी से जूस ले। ये रोटी खाई हुई बॉडी है, इसके सामने जूस क्या चलेगा? करेक्ट बोला भाई। सही बात है भैया, सामने वाले का जूस निकल जाएगा भैया। क्या बोला था तुझे? तूने अब तक कुछ बात क्यों नहीं की? मैंने बोला था ना जल्दी आना, मुझे शाम तक रिपोर्ट चाहिए। ये अच्छी नहीं है। एक बात पूछूं, शादी किसकी है? मेरी। और दूल्हा? वो है। सर, शादी किसकी है? मेरी। और दुल्हन? उधर है। सच बोलो बेटी, शादी किसकी है? मेरी शादी है। और दूल्हा? वो ही है। शादी के कार्ड पे भले ही उसका नाम हो, पर शादी तो इसी के साथ करूंगी। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धाश्वराहा, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाहा, स्वस्ति न स्त्राक्षो। दामाद जी, सिमाद्री ने बोला है तो जरूर आएगा। दामाद जी, ससुर जी बाहर अपने 100 आदमी खड़े हुए हैं, वो कितनी भी कोशिश कर ले यहाँ अंदर नहीं आ पाएगा। आपकी बेटी से शादी मैं ही करूँगा, देख लेना। दुल्हन को जल्दी लेकर आइए, मुहूर्त हो रहा है। आप पास आके बैठो ना, दूर क्यों बैठी हो? पंकजम, हार कहाँ पर है? हार लेकर आइए। इधर है हार। ससुर जी, ये सब क्या भाई? तुम्हारी शादी कैसे होगी? मुहूर्त निकला जा रहा है, लगता है ये उसी का फोन है। शादी की या नहीं है जानने के लिए फोन कर रहा है वो।
वन मिनट प्लीज. हेलो. अबे सुन ले ध्यान से, एक महीने का नहीं पूरे 3 महीने का ब्याज चाहिए मुझे, वरना घर में घुस के मारूंगा मैं. रख दे फोन अब. पंडित भी गायब हो गया. भाई हार ले आया. अबे गधे, पहले उसको पकड़, वो भाग रही है. रुक जा, रुक जा, रोको रोको उसे, रोको. ये कौन है? ये कौन है? ये तो वो नहीं. ये भाई, ये भाभी नहीं है. भाई ये तो भाभी नहीं है. अरे तो फिर मेरी दुल्हन कहाँ गई? यहाँ है. डैन टू डैन. हवा हूँ मैं, तूफानी हवा से भी बहुत बड़ा हूँ मैं, बहुत बड़ा. तेरा काल हूँ मैं. मेरी बहन ने वादा कर ही दिया है तो ब्रह्मदेव भी मुझे नहीं रोक सकते. चल बोल, तेरी बजाकर मंगलसूत्र पहनाओ या फिर मंगलसूत्र पहनाकर तेरी बजाओ. ए बेबी, पहले उनका बैंड बजा दो, उसके बाद आराम से मंगलसूत्र पहना देना. बेबी तो अब देख. आहा, भाई जा लेकर आ. ए, जाके उसके धार लगा. हाँ लगाता हूँ भाई. जल्दी करना. हाथ पैर या सर? सर. टाइम लगेगा भाई. ए टपोरियों, डोंकी की तरह लात मारना, मंकी की तरह यहाँ वहाँ उछलना, इसे फाइटिंग नहीं कहते. फाइटिंग करनी है तो मेरे टाइगर की तरह फाइटिंग करो. अब देखना. ये फाइट ओके है ना? तो ठीक 10 बजे का है और अभी सिर्फ आधा मिनट ही बचा है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. एक एक को भी मारेगा तो मुहूर्त का टाइम तो निकल ही जाएगा, तब वो भी शादी नहीं कर पाएगा. मुबारक हो. इस राजा और रानी का कैसा ये फसाना था, जिसे लिख दिया खुद ब्रह्मा ने.
नंदिनी, तुम्हारी वजह से ही मुझे एक नई जिंदगी मिली है। तुम्हारा ये एहसान मैं कभी नहीं चुका पाऊंगी। भाभी, आपकी मदद करने के लिए मैंने ये शादी नहीं करवाई है। मेरे भाई को एक साथी चाहिए था और मुझे भाभी के रूप में माँ चाहिए थी। बेटी, हम भी यहाँ पर तुम्हें एक खुशी की बात ही बताने आए थे, लेकिन यहाँ पर तुम्हारी शादी की बात सुनकर हमें उससे भी ज्यादा खुशी हो रही है बेटा। खुशी की बात साहब जी, क्या है बताइए ना। दरअसल हम यहाँ ये बताने आए थे कि हमारे बेटे प्रकाश की शादी तय हो गई है। ओ। दो दिन बाद ही फंक्शन है और उसमें तुम सबको आना होगा। एक दिन पहले ही तुम्हें वहाँ पहुँचकर सारी जिम्मेदारी तुम्हें खुद संभालनी पड़ेगी सिमहाद्री। क्या साहब जी, अरे अपने ही तो घर का काम है, आप बस बैठे रहिए, मैं सारा काम पूरा कर दूंगा। अरे बेटी नंदू, तुम भी सुन लो, कॉलेज एग्जाम कोई भी बहाना मैं नहीं सुनने वाला। हाँ, शादी में तुम्हें आना ही होगा। जरूर आऊंगी अंकल। नंदिनी, तुम सिर्फ इसी घर की लक्ष्मी नहीं हो, जिस घर में जाओगी सुख शांति लेकर जाओगी। डैडी, सारा दुकान उठा के ले आए हैं, इतने सारे गहने मैं पहनूंगी। अरे तो ये कौन सी बड़ी बात है, तुम प्रताप गौड़ा की बेटी हो, जानती नहीं किस घर में जा रही हो तुम? ये तो सिर्फ एंगेजमेंट के लिए है, शादी में देखना कितनी तामझाम होगी। इतना खर्चा करने की क्या जरूरत है? देखो, मेरा एक छोटा सा घर है, तुम्हारे पिता का एक राज्य है, ये दोनों जब मिल जाएंगे तो एक बड़ा सा साम्राज्य बन सकता है, फिर देखना मैं क्या करता हूँ। I love you. अभी तक मैं आपका नाम नहीं जान पाया हूँ। नंदिनी, वेरी नाइस नेम। चलो, जी मेरी बेटी की मंगनी है, आप लोग आ जाइए अब जल्दी से। माधवपुर के जमींदार श्री अनंत रमैया के ज्येष्ठ पुत्र श्री सूर्य प्रकाश वर्का, कृमासंद्र गांव के जमींदार दिवगंत लोकेश जी की सुपुत्री नंदिनी का विवाह सभी लोगों के सामने पूरे विधि विधान के साथ संपन्न हो रहा है। श्री लक्ष्मी और सत्यनारायण का आशीर्वाद पाने के लिए दोनों पक्ष अब थाल बदली कीजिए। ससुर जी, क्यों, क्या हुआ? सिमाद्री अनाथ यही सोच रहे हैं। सारे गांव वालों, तुम लोग देख लो, गवाह हो। हाँ, उठो उठो उठो, तुम भी उठो, उठो, आप लोग भी उठिए। हाँ उठिए, ये थाली आप लोग ले लीजिए और अपनी थाली मुझे दे दीजिए। तुम लोग हाथ लगाओ अपना। हाँ, आप लोग ले लीजिए ये। हाँ लीजिए 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 लीजिए, आप अपनी थाली हमें दे दीजिए। नहीं, आप सभी गाँव वालों को गवाह मानकर हम लोगों ने ये थाली बदली है। चिन्नी, जरा इधर तो आ, ये क्या है,
तेरे मालिक के बेटे प्रकाश के साथ प्रताप गौड़ा की बेटी की मंगनी तय हुई थी ना, फिर अचानक ये मंगनी किसी और लड़की से क्यों हो गई? बात यह है कि कल मंगनी होने वाली है और इस समय ये ना बोलेगा तो इसका क्या मतलब हुआ? क्यों प्रकाश, तुमसे पूछकर ही ये सब तय किया था ना, अब तुम ये क्या बोल रहे हो? हाँ। देखिए तब मेरे दिल में कोई नहीं था। देखिए सुन लीजिए, कह रहा कि तब दिल में कोई नहीं था, अब जबकि मंगनी तक बात आ गई है तब ये बात कह रहा है कि इसके दिल में कोई दूसरी आ गई है। कल शादी के समय अगर कोई तीसरी आ जाएगी तो क्या उसे भी छोड़ देगा ये? अब आपके मुंह से कुछ नहीं निकल रहा है, इसे कुछ बोलते क्यों नहीं है आप? अब मैं क्या कहूँ दामाद जी, एक तरफ ये है और एक तरफ वो, अगर किसी की भी तरफ से कहूँ तो दूसरे को बुरा लगेगा। हाँ हाँ हाँ, सब आप पीछे हट जाओ, कोई भी हमारा पक्ष मत लो, ये तो विदेश से होकर आया है ना, वादा कर सकता है कि शादी करूंगा और फिर उस वादे को तोड़ भी सकता है ये, लेकिन यहाँ ये सब चोचले नहीं चलने वाले, हम लोग सीधे साधे गांव वाले हैं, मान मर्यादा हमारे लिए जरूरी है, कमिटमेंट हमारे लिए जरूरी है, इसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। देखो वो हमारी बातों को इज्जत देकर शादी के लिए मान गया था, किसी दूसरे से प्यार ना होना ऐसा कुछ बंधन तो नहीं था ना, वो ये सब छुपाकर शादी करने को तैयार नहीं था, वो कुछ भी ना छुपाते हुए खुल्लम खुल्ला बोल रहा है। क्या खुल्लम खुल्ला बोल रहा है? क्या खुल्लम खुल्ला? हाँ? शादी तय होने के बाद क्या मैं इनके साथ कभी डेटिंग पर गया या फिर रिंग एक्सचेंज की? देखिए आप लोग मेरे साथ किसी भी तरह की जबरदस्ती मत कीजिए। जबरदस्ती शादी कोई नहीं करना चाहता, मैं भी नहीं। नहीं बेटी, तुम रो मत बेटी, बचपन से ही तुम्हारा ये पति है, यही तेरा पति है, आज तक यही लालच इसे दिखाया गया है। कौन है वो जो मेरी बेटी के रोने की वजह बन गई है, कौन है वो? नंदिनी, सिमहाद्री की बहन नंदिनी, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, वो भी मुझसे प्यार करती है। देखिए आप सब लोग मुझे माफ कर दीजिए, प्रकाश साहब का बेटा है ये मैं सच में नहीं जानती थी, अगर मुझे पता होता तो मैं इसे प्यार करने की गलती कभी नहीं करती। नहीं करती वो दूसरी बात होती, तुम मुझसे प्यार करती हो ये सच है या नहीं? आप कुछ भी बोलिए पर मुझे प्यार नहीं चाहिए। ठीक है फिर, जब मुझे इस देश में मेरा प्यार ही नहीं मिला तो मैं क्यों रहूं, मैं फौरन वापस चला जाऊंगा, मुझे शादी ही नहीं करनी है। प्रकाश ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? हाँ देखो बेटा, अगर तुम मेरी बेटी से शादी करोगे तो हम सब एक साथ रहेंगे, हम सब खुश रहेंगे, हमने यही सोचा था ना भाग्यवान। तुम ये शादी नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, रहने दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तुम यही चाहते हो ना कि तुम्हारी शादी नंदिनी से हो जाए, यही चाहते हो ना? तो करवा देते हैं। ये कभी नहीं हो सकता मालिक, खेत की रखवाली करना और झोपड़े में संसार बसाना यही इसके लिए ठीक है। ये क्या कह रहे हो, तुम असलियत जानते भी हो? तुम्हारे पिता बहुत बड़े पुण्यात्मा थे, अगर उन्होंने दान धर्म देकर मुझ जैसे 10 लोगों की मदद नहीं की होती ना तो इस इलाके के सारे गांव के राजा आज तुम होते। प्यार के संबंधों के बीच में जमीन जायदाद को मत आने दो। ये नहीं हो सकता साहब, कितनी सारी मुश्किलें आई, अपनी बहन की महारानी की तरह देखभाल की है, मेरे पिताजी ने मदद की है, तो उसकी बहन के साथ शादी करवा कर एहसान चुका लिया ऐसा लोग कहेंगे। सिमात्री, नंदिनी आखिर क्या चाहती है, उसके दिल में अभी क्या है, ये तुम्हें अच्छे से पता है, एक बार उसे नजर मिलाकर बात कर लो तुम सब जान जाओगे। शादी करना या नहीं करना तुम्हारी मर्जी। प्रताप गौड़ा के बारे में हम लोग गलत सोच रहे थे, उसका दिल तो बहुत बड़ा है। 20 साल का सपना था, सब बर्बाद करके रख दिया। ऐसे जीना है वैसे जीना है, जैसे भी जीना है वो अपनी मर्जी से जिए, उसे जो कुछ भी करना था करे, मैंने मना किया था क्या? मैंने इतना ही चाहा था कि उसकी शादी मेरी बेटी से हो, एक ही सपना था मेरा कि मेरी बेटी उस घर की बहू बन जाए, अरे सब कुछ बर्बाद करके रख दिया उसकी माद्री ने। एक बार मिल जाए वो अपने हाथों से मार दूंगा। मालिक। हाँ क्या है? सिमाद्री आया है। क्या हुआ सिमाद्री? ये मेरे हाथ से फिसल कर गिर गया ये। अरे देखो सिमाद्री आया, उसे दूध दूध पिलाओ कुछ। हाँ तुम्हारा इंतजार कर रहा था। साहब आपको मैं भाई पुकारूं या फिर भगवान की उपमा दे दूं समझ में नहीं आ रहा।
अपने शरीर को चलाकर अंधेरे कमरे में उजाला करने वाला दिया बन गए हो आप। आपकी बेटी की जगह मेरी बहन को बिठाकर हम सबके जीवन को आपने जीवन भर के लिए पावन कर दिया है। ए, क्या कर रहे हो? उठो। नहीं साहब, इस जमाने में तो अपने खून के रिश्तेदार भी हाथ छोड़ देते हैं। आपसे तो मेरा कोई संबंध नहीं है, फिर भी आपने मेरे पिता की जगह ले ली है साहब। मंगनी तो आपने करवा दी, इन्हीं हाथों से अब आप शादी भी करवा दीजिए। अपना ख्याल रखना, खुश रहना। तो भी अपना ख्याल रखना, हमेशा गायों के पीछे मत पड़े रहना और गांव के लफड़े में कभी मत पड़ना। भाभी भैया का ख्याल रखना। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, अपना और अपने ससुराल वालों का अच्छी तरह ध्यान रखिएगा। ए चलो चलो, बहुत हो गया, चलो चलो बहुत हो गया, आप चलो जल्दी चलो। जीजा जी, ए बहना अंदर चलो, चलो बहना चलो, आ जाओ ससुराल में, सबका ख्याल रखना, चलो अंदर चलो चलो, रोने की कोई जरूरत नहीं है, जाओ। एक मिनट रुको, एक मिनट रुक जाओ। क्या हुआ भैया? कपड़ा बाहर आ गया था, इसलिए मैं आ गया था। आजा बहना, खुश रहना। मानना पड़ेगा तुम्हारे भाई को। क्यों? रोए बिना भेज दिया ना अपनी बहन को। आप नहीं जानती हो उसे, उसका शरीर पत्थर है लेकिन उसका दिल एकदम मोम की तरह है। देखो देखो उसे। मत रो, ऐसा इस दिल को कल से समझा रहा हूँ लेकिन ये मेरी बात ही नहीं सुनता। मेरी बहन मुझे छोड़कर चली गई। क्या करूंगा मैं उसके बिना? कल से ही मेरे मन में ये ख्याल आ रहा था कि जब ये चली जाएगी तो डंडा लेकर बच्चे की तरह सारा गांव मुझे कौन भगाएगा। और क्या बताऊं, मुझे अपने हाथों से खाना खिलाती थी मेरी बहना, मेरे इस गोद में सोकर मेरी बेटी बन गई थी भाई लारी। अरे मैं पापी हो गया हूं। मेरे माता पिता के बाद भी ना मैं अपने आप को अनाथ नहीं समझता था लेकिन इसके जाने के बाद मैं अनाथ हो गया हूँ। रे अनाथ हो गया हूँ, ए भगवान। मालिक, 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 क्या हो गया? हमारी सबसे मोटी वाली गाय मर गई मालिक। अगर गाय मर गई तो क्या हो गया? हाँ, पिछले 15 दिनों से वो बीमार थी, शादी की व्यवस्था में तुमने उस पर ध्यान नहीं दिया इसीलिए मर गई। अब यहाँ आकर इतना शोर क्यों मचा रहे हो? जाओ जाकर उसकी व्यवस्था करो, मैं आता हूँ। जी ठीक है मालिक। चलो बेटा। अरे कुछ नहीं हुआ भाई, चलिए सब लोग, चलिए चलिए आप लोग अंदर चलिए, कुछ भी नहीं हुआ, सब ठीक है। चिन्नी सबके लिए कॉफी बना कर लाओ, चलिए चलिए। ललिता क्या हो गया तुम्हें? ये बस एक संयोग है, घबराओ मत। चलो चलो अंदर चलो। पता नहीं ललिता ये सब कैसे सहती हैं। हाँ, सही कह रही हैं। वो तो सबसे पहले इन बातों पे विश्वास करती थी। अब क्या होगा? क्या माँ तुम भी, वो गाय बूढ़ी हो चुकी थी इस वजह से वो मर गई। मेरी बेटी की तकदीर खराब थी इसलिए उसकी शादी नहीं हो पाई। इसमें नंदिनी की क्या गलती है? क्या बात है नंदिनी? घर में आए हुए सभी लोग क्या बात कर रहे हैं, तुमने भी सुना ना? वो गाय मेरी वजह से मर गई। ये कैसी बात कर रही हो तुम? तुम्हारे घर में 40 गायें हैं, एक भी गाय मरी क्या? ये किस जमाने की बात कर रही हो तुम? अब ये सब फालतू की बातें मत सोचो।
और देखो मैं इन सब बातों पर यकीन नहीं करता हूँ, मैं तुम्हें अपना मानता हूँ और तुमसे ही प्यार करता हूँ, ये कोई अपशकुन नहीं है। नंदू, हरे कृष्णा। क्या हुआ आपको? नहीं कुछ नहीं। मैं नहीं जाऊंगी। अरे मेरी बात तो सुन, वहाँ हॉस्टल में ना बहुत अच्छा खाना मिलता है और बहुत अच्छी पढ़ाई भी हो जाएगी। इन 7-8 गांव में मेरी बहन बहुत पढ़ी लिखी है, ऐसा कहने में मेरी कॉलर तो टाइट रहेगी कि नहीं। बस 3 साल की बात है, चली जाओ। 3 साल तो क्या, 3 पल भी मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। नंदिनी की याद आ रही है क्या? मैं उसे भूला ही नहीं हूं, तो वो याद कैसे आएगी? वो मुझसे शहर नहीं जाऊंगी ऐसा बोल रही थी, लेकिन चली गई। मुझे पता है वो इस भाई को छोड़कर नहीं जाएगी, कल ही आएगी देख लेना वो। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, एक बार लड़की ससुराल जाने के बाद वही लोग उसके लिए सब कुछ होते हैं, उसे उसी घर को अपना घर मानना पड़ता है, उसका गोत्र बदल जाता है, उसका सरनेम बदल जाता है। अब वो सिर्फ तुम्हारी बहन नंदिनी नहीं रही, नंदिनी प्रकाश बन गई है, बहुत अच्छे घर में गई है, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। मतलब मैं अकेला हो गया हूँ क्या? क्यों, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं हूँ? हाँ, उसकी तरह मैं भी अपनी माँ का घर छोड़कर आई हूँ ना, माना कि उसकी जगह मैं नहीं ले सकती हूँ, अगर आपको अकेला कभी नहीं छोड़ूंगी। क्या बे, डेयरी के इलेक्शन में मैं खड़ा रहूं, वो भी प्रताप गौड़ा जी के सामने प्रेसिडेंट बनने के लिए? प्रताप गौड़ा जी मेरे लिए भगवान के समान है, मजाक मत करो, चलो अपना काम करो। इतना धोखा होते रहेगा तो हम सब खड़े देखते रहेंगे क्या? उस दिन डेयरी के पास तुम्हीं ने तो हमको न्याय दिलवाया था। अरे भाई, उस दिन अन्याय हो रहा था वो तो मैंने ठीक कर दिया, अब अपना दिल बड़ा करके उनको जिता दो, इसके बाद वो कोई गलती नहीं करेंगे, मैं जाके उनसे बात करूंगा, समझे? हमने एक बार नहीं उन्हें 5 बार जिताया है, अब कोई और नहीं चाहिए, इस बार इलेक्शन में तुम ही खड़े होके कह देते हैं। हाँ, मेरी बहन को नई जिंदगी दी है, इसलिए उनके सामने मैं नहीं खड़ा रह सकता। तुझे सिर्फ तेरी बहन की पड़ी है, पूरे गाँव की औरतें कुछ नहीं लगती है क्या तेरी? वो सब भी तो तेरी बहन समान ही है, और अब वो और तू रिश्तेदार जो हो गए हैं, वो तो अमीर है ही, अब तू भी अमीर हो जाएगा। हम किसानों की तकदीर ही ऐसी है, सब पर भरोसा करके धोखा खाया है हमने, अब ये भी धोखा देना चाहता है। चलो भाइयों, चलो। मणिगौड़ा, मैं भी एक किसान का ही बेटा हूँ, तुम्हारा साथ ऐसे ही नहीं छोड़ूंगा। आप लोगों ने गाँव के औरतों का नाम लिया है, सब मेरी बहन की तरह है, दुनिया के सारे बहनों की कसम मैं इलेक्शन में खड़ा रहूंगा, जो होगा वो देखा जाएगा। सिमात्री की जय, सिमात्री की जय, सिमात्री की जय। सिमात्री, ए सिमात्री। नमस्ते साहब, आइए 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 आइए। अरे सुमा, साहब जी आए हैं। अरे साहब जी, आप मेरे घर पे आए हैं, अगर एक बार बता देते तो मैं खुद आ जाता आपको लेने। तुम तो गांव के नायक बनने वाले हो, तुम्हें मैं कैसे बुला सकता था? अरे साहब, वो क्या है ना, मैंने बहुत मना किया लेकिन गांव वाले मान ही नहीं रहे थे। नहीं मान रहे थे वो लोग, नहीं मान रहे थे और तुमने हाँ कह दिया। मेरी बात समझने की कोशिश तो कीजिए। किसके सामने खड़े हो रहे हो ये भी नहीं सोचा तुमने? हाँ, ऐसा नहीं है साहब, मैं तो मिट्टी का काम करने वाले कुम्हार को सिंहासन चाहिए। हाँ, बस कीजिए साहब, आपने सही कहा, ये कुम्हार है पर किसी के सामने जाकर हाथ नहीं फैलाया इन्होंने। बड़े लोग हैं, ऐसी बात मत करो,
अब माफ कर दीजिए साहब, इसने तो अनजाने में बोल दिया। आप तो बड़े लोग हैं, आइए ना अंदर बैठकर आराम से बात करते हैं। आइए। कमीना कहीं का, तुम्हारी बहन को अपने ससुराल में मैंने ही महारानी बनाया, ये भी ख्याल नहीं किया तूने? तुम्हारी बहन को सुनिए, बहन के बारे में कुछ मत बोलिएगा। मैं बड़ा आदमी बात कर रहा हूँ, तू बीच में क्यों बोल रहा है? इतनी भी अक्ल नहीं है तुझे? साहब जी, अगर आपको गुस्सा आया है तो आप मुझे माफ कीजिए, आपके घर में मैं नौकर बन जाऊंगा, आपके पैर पड़ता हूँ। साहब जी, मेरी बहन मेरे लिए सब कुछ है, उसके बारे में आप कुछ मत बोलिए। अब मैं बात नहीं करूंगा, अगर तू इलेक्शन में खड़ा हुआ तो तेरी बहन की जिंदगी में। प्रताप गौड़ा, एक शेर सोया हुआ है तो उसे छेड़ने की कोशिश कर रहा है तू। मैंने अपनी बहन को मंदिर में भेजा है, उस मंदिर का दामाद हूं मैं, इसीलिए तुझे अब तक इज्जत मिल रही है। देखो सिमाद्री, मैं तुम्हें अपना भाई मानता हूँ, तुम्हें तुम्हारी बहन का संसार प्यारा है या फिर इलेक्शन, मुझे बहन की शादी करवाई है इसलिए मैं तुझसे इज्जत से बात कर रहा हूँ, गांव वालों ने जबरदस्ती की है इसलिए मैं इलेक्शन में खड़ा हो रहा हूँ। चल आजा, एक बाप की औलाद है तो आजा, तेरे विरुद्ध खड़ा होकर मैं जीत कर ही दिखा दूंगा। देखो सिमाद्री, मेरी बात मानो, नहीं तो तुम्हारी बहन की जिंदगी। अगर मेरी बहन को उस घर में कोई भी तकलीफ हुई ना तो तेरी छाती फाड़ कर उसे तेरे खून से नहलाऊंगा। सावधान, अपना हाथ हटा, हाथ हटा, हाथ से हाथ मिलाऊं तो स्नेहाद्री, मारने पर आ जाऊं तो सिम्हाद्री, सिम्हाद्री। संघ के कार्यमंडल के हुए चुनाव में गाय पालने वाले श्री सिमाद्री जी इस चुनाव में 5,482 वोट से जीत गए हैं। नानी? हाँ? नानी? आजा आजा आजा। मेरी बच्ची कैसी है? मैं ठीक हूँ। तुम जैसे आई हो उसे देखकर लगता है सिर्फ दो दिनों के लिए ही आई हो, अगर सच में ऐसा है तो तुम अभी चले जाओ, चले जाओ, जाओ। हे नंदू, चलो तुम जाओ यहाँ से। अरे नानी, अगर मेरी शादी प्रकाश के साथ हुई होती तो मैं यहीं रह जाती नानी, पर मैं क्या करूँ, इस घर में अब नई मालकिन आ गई है, अब उनकी परमिशन जरूरी है ना। आयशु, मैंने तुम्हें कब ऐसा ट्रीट किया है जरा मुझे बताओ? इस घर की मालकिन मैं नहीं, मेरी सासू माँ है। ड्राइव तुम करके आई हो क्या? नहीं, ड्राइवर भी साथ में आया है। सो मैडम परमिशन दे तो मेरा लगेज कार में, तुम लेते आओ। आप ये सब अच्छी तरह से जानते हैं। हाय बेटी। नाना जी, मैं 5 मिनट में फ्रेश होके आती हूँ, फिर ढेर सारी बातें करेंगे। जल्दी आओ, जल्दी आओ। ओके, ठीक है, जरूरी काम है। ठीक है ससुर जी, कॉफी तैयार है, ऊपर लेकर आऊं? नहीं बेटी, मैं नीचे ही आके पी लेता हूँ। ठीक है ससुर जी। क्या हुआ प्रकाश? हाँ?
एवरीथिंग इज फाइन माई फ्रेंड, नथिंग टू वरी, कल ही घर जा सकते हो, ठीक है ना? थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू। आप नीचे क्यों आ रहे थे? मैं कॉफी लेकर ऊपर आ रही थी ना। कोई बात नहीं बेटी, जब संयोग आता है तो ऐसा ही होता है। मेरी तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा दामाद जी, नंदिनी के आने के बाद से एक के बाद एक घटनाएं हो रही हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है। इतनी सी बात को लेकर आप क्यों घबरा रही हैं? मन शांत रखिए। अब ये सब क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, अगर ये पता होता तो मैं भी शायद कुछ। ये बात तो सिर्फ हमें पंडित जी ही बता सकते हैं। पंडित जी पाया पैर रखकर अंदर आए? कुदृष्टि दाएं हाथ से उतारी जाती है और शैतानी घर में प्रवेश बाएं पैर से होता है। शैतान? गुरुजी आप कुछ पी लीजिए, लाओ लाओ दो ना। पंडित जी दूध। पैर छू, पैर छू। आशीर्वाद क्यों नहीं दिया पंडित जी? मुख से निकली बात सत्य होती है और वही आशीर्वाद है, तो सत्य सीखो। मतलब? तुम अंदर जाओ। ठीक है। क्या हुआ पंडित जी? कौन है ये? मेरी बहू। किसने ढूंढा इसे? किसी ने नहीं ढूंढा इसे, मैं इसे प्यार करता हूँ। प्यार की आंख नहीं होती लेकिन शास्त्र की होती है। मतलब? उसके इस घर में प्रवेश करते ही किसी की जान गई थी ना। हाँ पंडित जी, इसके आते ही हमारी गाय मर गई थी। क्या थोड़े दिन पहले किसी की जान बची है? हाँ पंडित जी, मेरे पति की। क्या माँ, आप भी? घर में छोटे मोटे हादसे होना एक आम बात है। ये आम बात नहीं है, इसमें शैतानी दृष्टि है। तुमने ये शादी करके गलती की है। शादी के समय हमने आपको बुलाने की बहुत कोशिश की पंडित जी, पर आपसे मुलाकात नहीं हो पाई। मैं तीर्थ यात्रा पे था, दूसरों के पाप साथ लेकर गया था, उन्हें भी तो धोना है। गुरुजी इसका कोई निवारण है तो आप बताइए। तुम्हारे घर का हाल। पंडित जी, पंडित जी। क्या माँ, आप भी इन सब बातों पे यकीन करती हो? तुम विदेश रहकर आए हो ना, इसलिए भूत वूत क्या होता है नहीं समझते। अगर अपनी मर्जी से सब कुछ करोगे तो ऐसा ही होगा। आज तक पंडित जी ने सब कुछ सच ही कहा है। सुनो, जल्दी से पानी लेकर आओ। नंदिनी मेन स्विच ऑफ करो, जाओ। रात होते ही एक हाथ में सिगरेट और एक हाथ में दारू। जबरदस्त पंडित हो आप।
कमीने कहीं के। बड़े नाटकबाज हो। और आज तक तू तोता पकड़ के सब लोग की कुंडली बनाता रहा, और मैंने क्या किया? जो धर्म और शास्त्र के नियम के बिना अपना एक कदम तक आगे नहीं बढ़ाती, उसके सामने तुम एक महान पंडित का पट्टा लगा करके पेश कर दिया। दूसरों के पाप धोने के नाम पर अपनी जेब भरने वाला तू भी कोई छोटा मोटा पापी नहीं है। क्या आश्रम बनाया है, क्या NRI डोनेशंस आते हैं, क्या शिष्य रखे हैं तुमने। 1,00,000 मारूंगा तुम्हें, समझ में नहीं आता है यहाँ पूजा पाठ चल रहा है क्या है ये? अच्छे वाले सैंडविच लेकर आओ। ए जाना, लेके आना जल्दी। कहाँ से चले आते एक से एक। हाँ गुरु जी, मैंने तुम्हें उस घर में क्यों पहुंचाया है? ताकि मेरी बेटी उस घर की बहू बने, इसीलिए ना। और तूने क्या किया? मंगनी के समय ही मुझे गच्चा दे दिया। कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा तुम्हें, इतने फोन लगाए, कहाँ था तू? बता मुझे कहाँ था, कहाँ था बता। क्या करूँ बॉस, इस टीवी वाले ने पता नहीं कहाँ कहाँ कैमरे लगा के रखे हैं। स्ट्रिंग ऑपरेशन करता रहता है वो, ऐसे से बचना जरूरी है ना, इसीलिए मैं कभी किसी का शिकार नहीं बनना चाहता हूँ। हाँ। अगर तू वहाँ मंगनी के समय रहता ना, तो मैं पक्का अपनी बेटी की शादी उस घर में करवा देता। अब भी ज्यादा वक्त नहीं गुजरा है, शादी का रिश्ता तोड़ना आपके लिए क्या नया है? डैड, अपना नेक्स्ट प्रोजेक्ट हाउसिंग कॉम्प्लेक्स, 300 फ्लैट्स विद ऑल एमिनिटीज। ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट है। फॉरेन से आने के बाद तुम्हारा ये पहला प्रोजेक्ट है। तुम एक काम करो, इसे नंदिनी के नाम से शुरू करो। शी इज अ लकी गर्ल। दामाद जी आप क्या कहते हैं? अरे इतने अच्छे काम के लिए देरी किस बात की, बुलाइए उसे। बेटी नंदिनी सुनिए, इस तरह जल्दबाजी में कोई भी फैसला मत लीजिए, पहले इस बारे में पंडित जी से बात कर लीजिए, तब जो करना है वो कीजिए। अरे तुमसे शादी करते समय हमने मुहूर्त देखा था क्या? फिर भी सब कुछ ठीक है। अरे अपने दिल को जिस काम में तसल्ली मिले वही काम ठीक है। बुलाओ उसे। बेटी नंदिनी कहाँ हो तुम? इतना सब होने के बाद भी इन लोगों की समझ में नहीं आ रहा, क्या हुआ जी? ये लो यहाँ साइन कर दो। हाँ बोलो। ये क्या बोल रहा तू, तुमने खुद देखा? ए, अगर वो ऐसा कर रहा है तो हम किसी से डरते क्या? ए, मालिंगा हो चाहे कोई भी हो, वो वहां शेड कैसे बना सकता है? दामाद जी क्या हो गया, कुछ बताओ तो हमें। तुम एक मिनट रुको। ससुर जी, वो हमारी कंस्ट्रक्शन वाली जगह पर किसी और ने आकर अपना शेड बना लिया है। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स तो मेरे पास है। अब ठीक है, तुम पहले जाओ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर आओ। ससुर जी आप यही रुकिए, मैं जाकर सब संभालता हूँ। तू कहाँ पर है, जल्दी पहुँच जाओ वहाँ पर, मैं पहुँच रहा हूँ। बस करो, मर जाएगा बेचारा, जो मार खा के मरना चाहता है, चुपचाप साइन कर दे। सालों साल मेहनत करके एक एक पाई जमा करके इसे खरीदा है सर, कब से इसकी देखभाल करता आया हूँ मैं हाथ जोड़ता हूँ आपके ये जमीन छोड़ दीजिए। इसीलिए 70 की जगह 75 दे रहा हूँ, ये बात तुझे समझ में नहीं आ रही क्या? सर नहीं। पेपर लेकर आओ, चुपचाप साइन करो इसमें। कौन हो तुम लोग? कौन हो तुम लोग? हमारी जमीन पर तुमने क्यों शेड बनाया है? कौन हो? कौन हो तुम लोग? क्या भाई, अरे वही तो मैं भी पूछ रहा हूँ, कौन हो तुम लोग? ये जगह तो मेरी है। क्या मेरी? मेरी मेरी कर रहा है। 2 years back I've got registered it। दो साल पहले तेरी जमीन थी लेकिन अब मेरी है। सुनिए आप पुलिस को फोन लगाइए और जो डॉक्यूमेंट्स मेरे पास हैं। ऐसे हजारों डॉक्यूमेंट्स मेरे पास पड़े हैं, देख अगर बैठ के बात करेगा तो कुछ सेटल कर दूंगा, नहीं तो भूल जाएगी। तेरे बाप की है क्या? तेरे लिमिट में रह तू, निकल यहाँ से। कितनी चोट लगी है, कुछ दवाइयां लीजिए। इस अपशगुनी लड़की के हमारे घर में कदम रखते ही हमारा संसार बिगड़ गया। अपनी बुरी नजर डालने के लिए तुझे हमारा ही घर मिला था। ललिता ये कैसी बातें कर रही हो, अगर किसी ने कब्जा कर लिया है तो उसमें इसकी क्या गलती है? इसके इस घर में कदम रखते ही हमारी गाय मर गई, आपको अस्पताल जाना पड़ा, इसके साइन करते ही जमीन हमारे हाथ से निकल गई है ना? आप अपने दोस्त के बच्चों से जितना प्यार और भरोसा करते हैं उससे ज्यादा मैं आप पर भरोसा करती हूँ। ये हमारे घर की महालक्ष्मी नहीं दरिद्र लक्ष्मी है। सही कहा आपने नानी। आयशु बड़े लोगों के बीच में बोला नहीं करते। क्यों ना बोलूं मैं,
इसने मुझे नकली गहने पहनने को दिए हैं। नकली गहने पहन के गई थी, वहाँ मेरी इतनी बेइज्जती हुई और आप कहती है मैं चुप बैठूं। ये देखो मेरी गर्दन कितनी लाल हो गई है, ये पकड़ो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरा भाई कभी किसी को धोखा नहीं दे सकता। देख रहे हैं ना आप कैसे नाटक कर रही है, भाई और बहन मिलकर हम लोगों को कैसे बेवकूफ बना रहे हैं। भैया, भैया, भैया। अरे वो घर मंदिर है, मंदिर, और ऐसे घरों में जाने के लिए कितना सारा पुण्य कमाना पड़ता है, तू जानता है क्या? हाँ हाँ, मंदिर है, मंदिर है वो। अरे मंदिर नहीं, शमशान है, शमशान। क्या बोला बे? वापस बोल, वापस बोल। क्या बोला, क्या बोला घर के बारे में? मार डालो मुझे, मार डालो मुझे। मैंने वहाँ जो देखा है, कम से कम उस दर्द से ये दर्द कम ही है। मार डालो मुझे, मार डालो। ए भाई लारी, तू जरूर मुझसे कुछ छिपा रहा है, क्या हुआ है? सीधे सीधे बता, बोल क्या हुआ है। भैया भैया भैया, तुम अपनी बहन को कैसे अपने दिल में रखकर उसकी पूजा करते थे, उसे माँ लक्ष्मी बोलते थे, मगर उस बहन को वहाँ उस घर के अंदर माँ लक्ष्मी नहीं, दरिद्र लक्ष्मी बोला जा रहा है, दरिद्र लक्ष्मी। वो लोग उसे बहुत सता रहे हैं भैया। हम लोगों ने अपनी बहन की अपने हाथों से जिंदगी बर्बाद कर दी भैया, अपने हाथों से। कौन है यहाँ पर मालिंगा? ओए! देखो इन पेपर्स को पढ़ के इनका ड्राफ्ट रेडी कर देना। ओके सर।
वहां पर जो वो 16 एकड़ की जमीन है ना, वो नंदिनी के नाम पर कर दो, और घर में रहने वाली गाय सांड ये सब कुछ नंदिनी के नाम पर कर दो। ऑफिस में जाकर सारे पेपर से रेडी कर दीजिए, और मुझे बस इतना बताइए कि कहां पर साइन करनी है, मैं कर दूंगा। ए, तेरे सारे गहने लेकर आ जा, जा 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 जल्दी जा। दामाद जी, मैंने दारू पीनी छोड़ दी है, बीच में बोल रहा हूं इसलिए बुरा मत मानिएगा। आप अपनी बहन के लिए कर रहे हैं ये बहुत गर्व की बात है। आपका भी एक परिवार है, कल के दिन बच्चे होंगे तो आप क्या करेंगे? पिताजी, आज आप सिर्फ अपनी बेटी की जिंदगी के बारे में सोच रहे हैं, पर मैं अपने पति के साथ बहुत खुश हूँ। कल अगर हम रोड पर भी आ जाते हैं ना, तो भी मेरा पति मुझे कोई परेशानी नहीं होने देगा। शाबाश, चाहे कुछ भी हो, बहना ने तुम्हें मेरे लिए चुना है, उसका चुनाव हमेशा अच्छा ही होता है। नमस्ते साहब। क्या बात है सिमहाद्री, गाय के साथ आए हो? अरे कुछ नहीं साहब जी, हमारी नंदू के बिना ये गौरी एक घास भी नहीं खाएगी बोल रही, इसलिए इसे यहाँ ले आया। ऐसा क्या? आजा बहना। भैया। आजा बहना, आजा आजा आजा। गौरी आई है। अब देख तुझे मैं क्या क्या खिलाती हूँ। मिल ले, अच्छे से मिल ले इसे। देख लिया ना साहब, ये दोनों कितने अच्छे दोस्त हैं। अभी ये दोनों ठीक रहेंगे, इसलिए इसे यहाँ लाया। ये लो बहना, ये पूरे रास्ते भर लार गिराती हुई आई है, इसलिए टॉवेल लाया हूँ। ले जाओ इसे अंदर, ले जाओ ले जाओ। आराम से, आराम से जाओ। मेरे बिना रह नहीं सकी ना तू, आ जा आ जा आ जा गौरी, मेरी शोन हो गौरी। साहब जी, उस मालिंगा को सबक सिखाकर उसके पास से सारे पेपर्स मैं लेके आया हूं साहब, ये लीजिए। प्रकाश, 16 एकड़ की जमीन, मेरा घर और 40 गायें, सब नंदिनी के नाम पर कर दिया है साहब, ले लीजिए। क्या है सिमहाद्री, ये सब किसने कहा तुमसे करने को? अरे हमारी 3 पीढ़ियां अगर बैठ कर खाएंगी तो भी खत्म नहीं होगा। अरे वो क्या है ना साहब, वो सब तो उसी का ही है, उसके पैदा होने के बाद ही तो मैंने ये सब कमाया है, तो जो उसका है उसे देने में गलत क्या है? तुम नहीं सुधरने वाले, बिल्कुल अपने पिता पर गए। क्या साहब, आप हमेशा यही बात बोलते रहते हो। अरे बाप रे मेम साहब, ये नंदिनी के गहने हैं, ये सब उसी के लिए बनवा कर रखे थे, ये लीजिए। वाह, अपने साथ एक सोनार को भी ले आना चाहिए था ना, सोना है या लोहा है ये पता चल जाता। मेम साहब, ये आप क्या बोल रही हैं, मैंने ऐसा क्या किया है? बस बहुत हुआ, तू इस कस्तूरी निवास का राजकुमार है क्या? बहुत बड़ा दानी है जो यहाँ दान करने आया है। क्या है ये डॉक्यूमेंट, ओरिजिनल है या डुप्लीकेट? ससुर जी ये समझ रहे हैं कि तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, इसलिए तुम्हें अपना खास बना लिया, और तेरी बहन जो है वो नाटक करके प्रकाश को फंसा कर इस घर में घुसाई है, और तू जो सिमहाद्री, जबान संभाल कर बात करो, मेरे बारे में कुछ भी कह लो, लेकिन मेरी बहन के बारे में एक शब्द भी बोला ना। सिर्फ तुम्हारी ही बहन है क्या? बहुत देखे हैं तुम्हारे जैसे हमने, भिखारियों की भी इज्जत होती है, अपने घर की गंदगी इस घर में ले आए हो। भैया, हाथ हटाओ, तुम्हें बड़ा छोटा दिखता है कि नहीं? हाथ हटाओ। नहीं बहना, इसे मैं नहीं छोड़ूंगा। हाथ हटाओ भैया। नहीं छोड़ूंगा इसे, नहीं छोड़ूंगा। ये मेरा घर है, ये सब मेरे लोग हैं, गलती तुम्हारी है, नकली गहने तुमने दिए हैं, तो क्या तुम्हें ये शोभा देता है? ये लोग तुमसे सवाल पूछे हैं, इनका जवाब दो। लेकिन मुझे यहाँ जीने देना चाहते हो या मारना चाहते हो? नहीं बहना, तुम्हें तो अच्छा रहना है, ठीक रहना है तुम्हें। मैं ठीक रहूं चाहते हो ना? ऐसा है तो ये आखिरी बार, आज के बाद तुम यहाँ नहीं आओगे, चले जाओ, चले जाओ यहाँ से। जरा रुको, और एक बात, इस घर में मेरे साथ चाहे जो कुछ भी हो, तुम इस घर के आसपास भी नहीं आओगे। बहना, तुम मुझे लकड़ी से मारती थी, मुझे दर्द नहीं होता था, लेकिन अभी ठीक है।
ठीक है बेला, मैं नहीं आऊंगा, नहीं आऊंगा। कभी नहीं आऊंगा, नहीं आऊंगा, कभी नहीं। नंदिनी, है बेटी, क्या हुआ? पानी लेकर आओ जल्दी। नंदिनी, ये क्या कर रहे हो? छोड़ो सुमा, छोड़ो। क्या कह रहे हैं आप? क्या हो गया? गलती कर दी सुमा, गलती कर दी। वो प्रताप गौड़ा, मेरी बहन के बारे में कुछ बोला तो प्रताप गौड़ा की मैंने कॉलर पकड़ी तो उसके लिए मेरी हाथों से पाली हुई बहन ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। सिमात्री, उसने आपको बुरा भला कहा ना, लेकिन दूसरों को कुछ नहीं कहने दिया। उसे अपनी पूरी जिंदगी उसी घर में बितानी है, आपके साथ नहीं। आपको मारकर वो खुश रहेगी ऐसा आपको लग रहा है क्या? नहीं, वो तो आपसे भी ज्यादा दुखी होगी। मुझे यहाँ आए कुछ ही वक्त हुआ है, पर मैं उसके बारे में इतना कुछ जानती हूँ। आप तो उसे 20 साल से जानते हैं, अब तक उसे समझ नहीं पाए। आपको सिर्फ मारना आता है, सिर्फ मारना, और कुछ भी नहीं। अपनी बहन को समझिए सिमहाद्री। मुबारक हो, तुम माँ बनने वाली हो। थैंक यू डॉक्टर। प्रकाश, हाँ डॉक्टर, अब तुम बाप बनने वाले हो। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच। जाओ उससे बात करो। क्या हुआ, ऐसे खड़े हैं जैसे ये कोई लाश हो? आप सबको तो खुशी से उछलना चाहिए कि आपका वंश बढ़ने। कौन से समय में कैसी बात करनी चाहिए, इतनी भी अकल नहीं है। कांग्रेट्स नंदिनी। थैंक यू ससुर जी। तुम्हें ऐसे समय में अपने भाई को याद करके उदास नहीं होना चाहिए बेटी, बल्कि हमेशा ही हंसते हंसते खुशी से रहना चाहिए। तभी तो इस घर में सुंदर सा बच्चा आएगा। Come on, cheer, smile, smile. God bless you, बेटी। सिमाद्री, तुम यहाँ हो? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही थी। सुमा दीदी भी घर पे नहीं है, फिर मुझे भाईलारी ने बताया कि तुम यहाँ पर हो। क्यों चिन्नी, क्या हुआ? मेरी बहन से किसी ने कुछ कहा क्या? कहा है, जाओ उसे मारो, तुम कभी नहीं सुधरोगे। तेरी बहन तो बच्ची है, पागल है वो, तो क्या तू उसके घर नहीं जाएगा? नहीं आऊंगा, जाओ। तुम्हारी बहन बुलाएगी तब भी नहीं जाओगे? नहीं आऊंगा। तुम्हारा और तुम्हारी बहन का अब कोई संबंध नहीं रहा क्या? कोई संबंध नहीं है, जाओ यहाँ से। तुम मामा बन रहे हो तब भी नहीं जाओगे? कौन सा मामा? मैं मामा बनने वाला हूँ। अरे वो तो बच्ची है, उसका भी बच्चा। कितनी मीठी बात बताई है तुमने। ये लो चिन्नी, लो इसे पकड़ो, मैं मामा बनने वाला हूँ। ये सब रखो चिन्नी, तुम सब रखो, खुश रहो तुम, जाओ जाओ। भैया,
क्या है, तुम पेटते हो और तुम इस तरह से दौड़ भाग कर रही हो? तुम्हारा भाई आया है, तुम्हें खुशी हुई है, खुशी तो हमें भी हुई है, पर तुम्हें ऐसे भागते हुए तो नहीं आना चाहिए ना। सासू माँ को देखो, उन्हें गुस्सा आ रहा है। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारे भाई ने मेरा अपमान किया है, लेकिन मैं कभी उसके बारे में सोचता भी नहीं हूँ, कभी नहीं। लेकिन ये तुम्हारा घर है, यही तुम्हें जिंदगी गुजारनी है, जरा सोच कर देखो। हाँ बेना, क्यों आए हो यहाँ? चलो अंदर चलो। मैंने आने के लिए मना किया था ना? मजाक कर रही हो क्या? चलो चलो। रुको, मैं कोई मजाक नहीं कर रही हूँ। हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ, ये सच है। गांव में और कोई औरत प्रेग्नेंट नहीं होती। हमेशा बहन 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 बोलकर मेरी जिंदगी का काटा बन गए हो तुम। इस दुनिया में और किसी का भाई नहीं होता है क्या? क्या तुम अकेले ही भाई हो? मैं आखिरी बार बोल रही हूँ, तू इस घर की तरफ आएगा तो मेरी और मेरे बच्चे की लाश देखेगा। बाप रे, ये क्या बात कर रही हो तुम? देखो, आज के बाद अगर इस घर की तरफ दोबारा आए तो ठीक नहीं होगा। निकल जाओ, निकल जाओ, निकल जाओ। बहना, चलता हूँ मैं। नंदनी, कुछ भी हो तो मुझे फोन बस अब जाने दो उसे। कितना बात करोगी? बाय। तुम हाथ से बाहर जा रही हो, ये बात तुम बताओगी, ये सोचकर मैं चुप रहा। ये क्या कह रहे हैं? ओहो, जैसे तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है ना। जब तुम्हारी बेटी गर्भवती थी तो उसकी गोद भराई को लेकर तुम्हें कितनी चिंता थी। अब जब बहू की गोद भराई करवानी है तो तुम्हें कोई परवाह ही नहीं है। उसके लिए अब गोद भराई करवानी है? ललिता, अरे भाई बहन को अलग करवाकर क्या हासिल कर लिया? क्या मिला तुम्हें? कभी गौर से उसका चेहरा देखा है तुमने? वो सांसें इस घर में ले रही है लेकिन उसका दिल भाई के पास है। मेरी बात सुन लो, उसकी गोद भराई उसके ही घर में होगी और उसका भाई उसे यहां से आकर लेकर जाएगा। मेरे फैसले के बीच में अगर कोई आया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये बात मैं सिर्फ तुमसे ही नहीं कह रहा बल्कि इस घर के सब लोगों से कह रहा हूं। बेटे से मां, काफी बुरा वक्त था, जो हो गया सो हो गया, सब कुछ भूल जाओ। मेरे घर आकर अपनी बहन को गोद भराई के लिए यहां लेकर आओ। यह रस्म मायके में ही होती है। उसका दुख मुझसे देखा नहीं जा रहा। गोद भराई करवाना तो मायके वालों की जिम्मेदारी है ना साहब। हाँ। तो फिर कैसे छोड़ू मैं, कैसे छोड़ू? हाँ? क्यों, जरूर आऊंगा। और तब तक तो मुंबई से प्रकाश भी यहाँ आ जाएगा। गोद भराई इसी घर में होनी चाहिए, मेरे दोस्त के ही घर में होनी चाहिए। हाँ। पहली बार गर्भवती हुई है, मैं कैसे छोड़ू? वो मेरी बहन है, सारे गांव को बुलाऊंगा, घर घर में साड़ी बांटूंगा, त्योहार मनाऊंगा मैं, त्योहार मनाऊंगा। नो, नो, तुम्हारी आंखों में आंसू शोभा नहीं देते। जी, हमारा शेर है तू, शेर। सब ठीक हो जाएगा। सुंदरे कालिया, तुझे बताती हूँ, घर आने के बाद छड़ी लेकर तुझे चार मारूंगी, तभी तू सही रहेगा। मेरी गोद भराई के लिए मेरे ससुराल से तुम्हें बुलावा चाहिए? हाँ ठीक है, मैंने मारा, गालियाँ दी, लेकिन उस दिन की परिस्थिति कुछ अलग थी ना। मैं अगर तुम्हें मारती हूँ तो तुम्हारे पैर पड़कर माफी भी मांग सकती हूँ, तो तुम माफ कर देना। मगर ये लोग मुझे चैन से कभी जीने नहीं देंगे। क्या हुआ? खुश हो? तुम्हारा भाई आकर तुम्हें ले जाएगा, खुश हो? तुम्हारा भाई तुम्हें आकर ले जाएगा और तुम बच जाओगी। हा? मेरा मतलब है, इस घर में जो तुम्हें तकलीफ हो रही है उन सब से तुम बच जाओगी। बहुत अच्छी बात है। आज तो तुम्हारा यहाँ पर आखिरी दिन है ना? मतलब? वही, इस घर में तुम्हारा
आखिरी दिन है ना। सर में बहुत दर्द है, घर में कोई नहीं है और सुजाता भी सो गई है, बाकी लोग बाहर गए हुए हैं, क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हारे भाई के घर जाकर मैं कॉफी भी नहीं पी सकता ना, तो फिर तुम ही आखिरी बार मुझे कॉफी बनाकर पिला दोगी? ठीक है, जाओ जाओ जाओ, जल्दी जाओ, फिर कॉफी बनाकर लाओ, दर्द बढ़ता जा रहा है। बहुत ज्यादा है, दिस केस इज वेरी क्रिटिकल, अभी कुछ भी नहीं बता सकते, ऑब्जर्वेशन में रखा है। एक्सक्यूज मी ललिता, अरे अरे तुम प्रेग्नेंट हो, किचन में क्या कर रही हो? अंकल का सिर दुख रहा है, उन्होंने कॉफी मंगाई है, उन्हें कॉफी में इलायची पसंद है, मैं उन्हें बना कर देती हूँ। आप अभी इतनी दूर से आई हैं तो मैं, मेरी बात नहीं मानोगे तुम? जाओ, तुम्हारी गौरी बुला रही है तुम्हें। अरे अरे मैं उसे पानी पिलाना ही भूल गई। कोई बात नहीं, तुम जाकर वो काम करो, मैं कॉफी बनाती हूँ। पागल लड़की। गौरी, जब मैं घास खिलाती हूँ तो तू दूध देती है, मैंने तुझे प्यार दिया तो आज तूने मेरी और मेरे बच्चे की जान भीख में दे दी गौरी, भीख में दे दी गौरी, भीख में दे दी गौरी। ए भाईला रे। हाँ भैया। भाईला रे। हाँ बोले भैया। शादी के बाद पहली बार मेरी बहन गोद भराई के लिए घर आ रही है। अच्छा भैया, सजावट एकदम बढ़िया होनी चाहिए। करवा रहा हूँ भैया, आप क्यों टेंशन ले रहे हैं? आसपास के सभी गांव की औरतों को बुलाओ। हाँ। एक डजन चूड़ियां पहनाओ। अच्छा। वो लोग चूड़ियां पहनकर हमारे घर में घूमेंगी ना तो उसकी आवाज से हमारे घर की गायें नाचनी चाहिए। अरे तू जरा संभल लेना, इसको कुछ भी नहीं पता है। अरे अरे ये लो, बहना का ही फोन है। हेलो भैया, कितने दिन हो गए तेरी आवाज नहीं सुनी। मैंने तुझे बहुत गालियां दी, बहुत मारा, मुझे माफ कर दो। ऐसा क्यों बोल रही है? छोटे बच्चे किसी को लात मारते तो दर्द होता है क्या? भैया इस घर में, देखो बहना, इस घर में तुम्हारी गोद भराई होगी, ये मैं बोल दे रहा हूँ, वहाँ नहीं होगी। बात वो नहीं है भैया। देखो बहना, तुम गर्भवती हो इसलिए रोना मत, मैं आ रहा हूँ ना। बहना तुम खिड़की में खड़ी रहना और देखना, मैं आ जाऊंगा, जूम जूम करके आ जाऊंगा। हाँ वो बात। अरे रो मत रो मत, मैं आ रहा हूँ। भैया हमारे घर में जो कुछ भी हो रहा है वो अपने आप नहीं हो रहा है, उन सब के पीछे प्लान है, मेरे डैड का प्लान। उन्होंने गाय को मार दिया और आपको सीढ़ियों से गिराने वाले भी वही थे।
वो जो पंडित आया था क्रिमिनल है, उसी को मोहरा बनाकर डैड ने घर में आग लगवा दिया। जमीन को खुद कब्जा करवाया और नकली गहने उन्होंने ही बनवाए थे। और नंदिनी को जान से मार देने के लिए गैस सिलेंडर खुला छोड़ दिया डैड ने, और उसमें मेरी माँ। नंदिनी बहुत अच्छी लड़की है। जब से तुम और तुम्हारा भाई हमारी जिंदगी में आए, हमारी जिंदगी बर्बाद हो गई है। कहाँ छुपी हो तुम? बाहर आ जाओ। एए, कहाँ है तू? मेरे बहना को होने वाला है बच्चा, मैं मामा बनूंगा, बच्चे को गोदी में खिलाऊंगा। आ चाची, बहन को लाने जा रहा हूँ मैं। भैया बाबा, मेरी बहन ही फोन कर रही है। अरे ये सिग्नल भी नहीं मिल रहा है, मेरी बच्ची मुझे फोन कर रही है। सोचकर चिकन बना रही होगी, और चिकन अच्छा बन जाए इसलिए मसाला कूट कूट कर डाल रही होगी उसमें। भैया, लिंगा भैया, अपनी बहन को लाने जा रहा हूँ मैं। कहाँ भाग कर जाएगी तू? मेरी बीवी तेरी वजह से आग में जली है, तुझे भी अब जलना होगा। तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। तू क्या सोचती है मुझसे बचकर भाग जाएगी? तू दिखा कहाँ भागती है, दिखा आज मुझे। तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मेरी बहन पे हाथ उठाकर बहुत बड़ी गलती की है तूने, बहुत बड़ी गलती। तू जब भी इसे मारने जाता था तब मैं तुझे रोकती थी, आज मैं तुझे बोल रही हूँ उसे मार, जान से मार डाल भैया, मुझे बहुत सताया है इसने। Oh!
क्या? समाधि नहीं, ऐसे दुष्ट इंसान का खून करके तुम अपनी जिंदगी को बर्बाद मत करो बेटा। नहीं सिमाद्री, सिमाद्री, हमारा दामाद इतना नीचे है ये हमें अभी पता चला, हमें माफ कर दो बेटा। इस घर को मैंने भगवान का मंदिर समझा था साहब, लेकिन मैं नहीं जानता था ये शैतान का घर है, राक्षसों का घर। बहना, बहना, मत रो, हाँ मत रो, मैं आ गया हूँ ना तेरे लिए। कुछ नहीं होगा बहना, चल हम धीरे धीरे चलते हैं, चल चल। अरे आप हटिए हटिए, रास्ता दीजिए हमें, रास्ता दीजिए। बैठो बैठो बहना, हाँ धीरे धीरे, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, चलो हॉस्पिटल चलते हैं। नहीं भैया। अरे मैं कह रहा हूँ ना हॉस्पिटल चलते हैं। नहीं भैया, नहीं, हम अपने घर चलते हैं। अरे नहीं नहीं बहना, ऐसे जिद नहीं करते। घर जाने को बोल रही हूँ ना, ड्राइवर गाड़ी चलाओ। चलो ठीक है। अरे बाबा छोड़ो, जो हो गया सो हो गया। अरे अब इतना रोने की क्या जरूरत है, मैं आ गया हूँ ना, तुम तो मेरे घर की महालक्ष्मी हो, ऐसे रोते नहीं है। उन लोगों ने जो कुछ भी किया है वो सब अपने दिमाग से निकाल दो बहना, मैं हूँ ना। ये लीजिए महालक्ष्मी गारमेंट से कपड़े लेकर आया हूँ। बहना गोद भराई के लिए मेरी सुमा ने 10 गांव से अलग अलग फूल मंगवाए हैं। अरे बच्चा किसका है, मेरा भांजा आने वाला है। अरे ऐसे ही होगा क्या, भांजे की गोद भराई का मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से भी बड़ी पदवी होती है। क्या बात है, सिमाद्री ने पहले से बच्चे का झूला तैयार करवा लिया है। देखती रहना, हजारों सुहागनों को बुलाकर हल्दी कुमकुम लगाकर ऐसे आशीर्वाद देकर जाएंगे तुम्हें। सारी हरी चुड़ियां निकाल कर नंदिनी के रूम में रख दो, ठीक है? अरे क्या हुआ बहना? तुम भाई नहीं हो, भगवान हो, मुझसे तो इतना प्यार क्यों करते हो? नंदू 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 बोलकर तू मेरे लिए जान भी देता है। इस जन्म में मैं तेरा ऐसा नहीं चुका पा। अरे ये क्या कह रही हो तुम भी ना बहना, अगला जन्म मिला तो तेरी माँ बनकर तेरा ऐसा चुकाऊंगी। क्यों अगले जन्म की बात कर रही हो, इसी जन्म में मुझे बहुत सारे काम करने हैं, बहुत कुछ बाकी है। मत रो बहना मत रो, हम गांव में आ गए हैं, गांव में आ गए, चलो आंसू पोछ लो, आंसू पोछ लो, हम लोग गांव में आ गए हैं, चलो चलो चलो। ए सुमा भाई ला रे, हाँ भैया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, नंदू आ गई है। नंदू, हेलो नंदू, अरे उठो, देखो देखो अपना घर आ गया है। नंदिनी उठो, नंदू नंदिनी, नंदू हेलो नंदू उठो ना। धूप है, थक के सो गई होगी, उठाता हूँ। अरे पानी लेकर आओ, जल्दी पानी लेकर आओ, बेचारी थक गई है, जल्दी लाओ, जल्दी पानी लेकर आओ। नंदिनी लाओ ना जल्दी। क्या हुआ दामाजी? नंदिनी बेटा, बहना बहना, बहना नंदू, Thank you.
भगवान श्री कृष्ण बोलो, भगवान श्री कृष्ण बोलो, भगवान श्री कृष्ण बोलो, भगवान श्री कृष्ण बोलो बहना, भगवान श्री कृष्ण बोलो। बहना